हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, टीईटी परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है और आप सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं इस समय इस बात को लेकर विचलित होते हैं कि आखिर अंत समय में क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। मैं अमनीश वाजपेयी, डायरेक्टर हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस एंड डायरेक्टर हिस्टोरिका इंस्टीट्यूट फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज कानपुर, आपका स्वागत करता हूँ। इस अंतिम बेला में मेरा प्रयास है आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर गाइडेंस देने का, और इस समय वक्त है आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास का। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हुए हैं तो आपको प्रश्नों के अभ्यास के ऊपर इस समय ध्यान लगाना चाहिए। मैं इस वीडियो वेब सीरीज के माध्यम से आपके लिए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं ये श्रृंखला आपको काफी मदद करेगी। आप एक बार सिर्फ इस श्रृंखला के सभी प्रश्नों को गौर से देख लीजिए। आपको प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उनसे संबंधित तथ्यों को भी बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए बगैर देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों की इस 1000 माला के प्रथम प्रश्न के पर। छात्रों चलिए आइए शुरुआत करते हैं टीटी परीक्षा के लिए पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की इस श्रृंखला के पहले प्रश्न से। शुरुआत के कुछ प्रश्न जीव मंडल से संबंधित है। कौन सा जीव मंडल किस राज्य या शहर में स्थित है? तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में ग्रेट निकोबार जीव मंडल कहाँ स्थित है? ये सवाल बहुत ही आसान है क्योंकि आपको यहाँ पर नाम में सवाल में ही समझ में आ जा रहा है ग्रेट निकोबार, इसका मतलब इसका जवाब होना चाहिए अंडमान निकोबार। तो भारत में ग्रेट निकोबार जीव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? अंडमान निकोबार। दूसरा सवाल है, भारत में सुंदरवन जीव मंडल सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन जीव मंडल कहां पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आता है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है। चौथे सवाल पर आते हैं, भारत में मानस जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत में जो मानस जीव मंडल है ये असम राज्य में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। असम में एक और है काजीरंगा जीव मंडल जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पांचवे प्रश्न पर आते हैं, उत्तराखंड जीव मंडल कहां पर स्थित है? तो जवाब सी हो जाएगा, उत्तराखंड में ही स्थित होना चाहिए। नंदा देवी जीव मंडल ये अच्छा सवाल है, नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। छठे सवाल का जवाब होगा डी, उत्तराखंड। सातवें में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों के ट्राई पॉइंट यानी तीनों की सीमा पर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो इन तीनों की सीमा पर पाया जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है डी स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन यानी नीलगिरी जीव मंडल। आठवें सवाल पर आते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा समुद्री जीव मंडल स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी नामक जीव मंडल है। ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि या पाक जल डमनू मध्य। जनरली स्टूडेंट्स पाक शब्द आने से PALK है, पाक शब्द आने से लोग पाकिस्तान जवाब कर देते हैं, नहीं आपको ध्यान रखना पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, जबकि यहां पर जो समुद्री जीव मंडल भारत श्रीलंका के बीच में दैट इज ग्रेट निकोबार जीव मंडल। नवा सवाल है, भारत का थार मरुस्थल, थार मरुस्थल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये है भारत के राजस्थान में। भारत का लिटिल रन ऑफ कच्छ ये आपका है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ बहुत बड़ा जिला है और यहीं पर आपका गधों का अभ्यारण भी पाया जाता है। ग्यारहवा सवाल है, भारत का काजीरंगा जीव मंडल, तो काजीरंगा जीव मंडल ये भारत के असम राज्य में। तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा इन सवालों में किसी न किसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है और वो कहां पर है, काजीरंगा के बारे में ध्यान रखना है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस। तो आइए एक और जीव मंडल की बात करते हैं कि भारत का नामदफा, नामदफा जीव मंडल कहां, ये है अरुणाचल प्रदेश में, तो जवाब हो जाएगा ए। 13वें सवाल पर आते हैं, भारत का सिमलीपाल जीव मंडल कहां पर है? तो सिमलीपाल ये हमारे उड़ीसा में है, उड़ीसा में जिस जगह पर है वो मयूरभंज है सिमलीपाल जीव मंडल। तो क्यों ना एक बार सभी को समराइज कर लिया जाए, तो आपको भारत में यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त जीव मंडल है बायोस्फीयर रिजर्व उनको ध्यान रखना है। 9 आपका भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जीव मंडल है,
पहला आपका जीव मंडल जो कि मान्यता प्राप्त यूनिट के द्वारा वो है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु केरल कर्नाटक की सीमा पर है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी भी कहां पर है? मन्नार की खाड़ी अभी बताया भारत श्रीलंका के बीच में, और राज्य अगर भारत की बात की जाए तो सबसे नीचे यानी कहा तमिलनाडु में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, नंदा देवी उत्तराखंड है, सिमली पार उड़ीसा है, नोकरेक ये मेघालय में, पंचमढ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मध्य प्रदेश में, अचान कमारिया अमरकंटक जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, पहले अभी छत्तीसगढ़ में पहले मध्य प्रदेश में हुआ करता था, निकोबार द्वीप ये आपका अंडमान निकोबार में। तो ये कुल 9 जायमंडल क्षेत्र ऐसे जिनको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया। ये और भी बात करते हैं और कौन कौन से ऐसे जायमंडल हैं जो भारत की जो जीव मंडल है वो आपका कुल है 18, उनकी पूरी सूची यहां पर आपको दे रखी गई हुई है, इनको आपको कंटेस्ट कर लेना। इनमें नीलगिरी कर्नाटक केरल तमिलनाडु की सीमा पर भारत का ये पहला जय मंडल है, और यूनेस्को ने भी सबसे पहले इसी को मान्यता प्रदान की। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में आएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, मानस कहां पर असम में है, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, सिमली पार उड़ीसा में, देहांग दिबांग अरुणाचल में, पंचमढ़ी कहां है मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा या खगन डिजांग ये सिक्किम में, अचान कमारी अमरकंटक मध्य प्रदेश में था जब उससे छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो ये छत्तीसगढ़ में आ गया। रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रंग कहां है? गुजरात में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, और पन्ना सबसे अंतिम जयमंडल है हमारा का जो घोषित किया गया ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग अगले सवाल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी, कई बार आपका इन जयमंडलों से गुजरने वाली नदियों के बारे में पूछा जाता रहता, तो मानस से गुजरने वाली नदी है मानस, आसान है सेम नेम है। भितरकनिका जो कि जय मंडल है इससे गुजरने वाली नदी है ब्राह्मणी वैतरणी और धमरा, ये तीन नदियों के मुहाने पर आपका भितरकनिका जय मंडल है। काजीरंगा से गुजर निकलती है ब्रह्मपुत्रा, काजीरंगा आपको पता असम में, तो असम में नदी जो होगी ब्रह्मपुत्रा। कंचनजंगा से निकलने वाली नदी है तामूर, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में निकलने वाली नदी है केन, सिमली पार से निकलने वाली नदी का नाम है रामाथिरता, रणथंभौर से निकलने वाली नदी का नाम है बनास एवं चंबल, और पेरियार से निकलने वाली नदी का नाम है पेरियार। 14वां सवाल की बात करते हैं कि जिस क्षेत्र में मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बफर जोन। जवाब हो जाएगा बी यानी उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, जहां पर मनुष्य पशुओं को चरा सकता है और कुछ छोटी हरकत छोटी छोटी क्रियाकलाप कर सकता है, तो ऐसे क्षेत्र को बफर जोन हिंदी में हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में कोई भी क्रियाकलापों की अनुमति नहीं थी जैसा कि 15वें सवाल में, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग केंद्रीय जोन कहते हैं यानी इसको कोर जोन कहा जाता है। तो इसमें जवाब हो जाएगा ए केंद्रीय जोन या कोर जोन इंग्लिश में, और जहां पर ढेर सारी क्रियाकलापों की अनुमति मिली हुई होती है उसको हम लोग हेर फेर क्षेत्र सी ऑप्शन यानी मैनिपुलेशन जोन कहते हैं। तो ये तीनों को ध्यान रखना है, तीनों को आप एक साथ ऐसे याद रख सकते हो, केंद्रीय या कोर जोन इसमें मानव के क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र यानी बफर जोन इसमें मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है, और हेर फेर क्षेत्र इसमें अनेक मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। आइए प्रश्न नंबर संख्या 17 पर आते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जयमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। अगले सवाल पर आते हैं, ऐसा संग्रहालय जिसमें पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऐसे संग्रहालय को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। हर्बेरियम का अर्थ यानी पौधों के संग्रहालय से म्यूजियम से। मैं आपको एक पिक दिखाता हूं, यहां देखिए आपको इस पिक में नजर आ रहा होगा कि पौधों को सुखा के उनको यहां पर पेश किया जा रहा है, इसको हम लोग आप कहते हैं हर्बेरियम। आते हैं 19वें सवाल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? तो बॉटनिकल गार्डन ये आपका कलकत्ता में, आपने तमाम फिल्मों में इसको पीकू में देखा होगा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां है? कलकत्ता में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अगला सवाल है 20वां यानी वन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? वन अनुसंधान संस्थान ध्यान रखिएगा इनमें से देहरादून में, जहां बहुत सारे वन है वहीं पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इस तरीके से एक हिंट ले सकते हो। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में है। तो 22वें सवाल पर आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका जवाब इसका होगा भोपाल। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM ये भी आपका भोपाल में है।
आईआईएम आपका अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, भोपाल में है, तो आईआईएम भोपाल में भी है, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो भी कहां पर है, भोपाल में है। अगले सवाल पर आते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ये आपके कलकत्ता में है। तो इस तरीके से आपने देखा, आपको ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपका तमाम ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए हैं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक लाइन में आपको इस तरीके से याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, पृथ्वी के चारों ओर जहां शैल मिट्टी जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है और जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं, जहां पर जीव निवास करते हैं चाहे वो जल हो थल हो, उस जगह को हम लोग कहते हैं जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे कितने प्रकार के होते, तो जल की मात्रा के अनुसार पर पौधे होते तीन प्रकार के, एक जो पूरी तरीके से जल में डूबे रहते हैं यानी जल की बहुत अधिकता, एक जहां पर एवरेज औसत रूप में जल पाया जाता है और एक जहां पर जल की उपलब्धता नहीं होती। तीन प्रकार के पौधे हैं, ऐसे पौधे जो कि जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहां जल बहुत होता है, जल संतृप्त अवस्था में होता है, सैचुरेटेड फॉर्म में जल होता है, ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं जलोद्भिद। तो 26 का जवाब हो जाएगा ए यानी जलोद्भिद। जलोद्भिद का डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल सिंघाड़ा हो सकता है, पूरी तरीके से आपको पता पानी में ही आपका डूबा रहता है ना। 27वां सवाल, ऐसे पौधे जो उन स्थानों में मिलते हैं जहां औसत जल संतृप्त होता है, तो ऐसे पौधों को हम लोग सामोद्भिद कहते हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी। 28वां सवाल, अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाले पौधे, जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है ऐसे पौधों को हम लोग आपका कहते हैं हाइग्रोफाइट। तो हाइग्रोफाइट, हाइग्रो शब्द से ही समझिए कि आर्द्रता जहां ज्यादा होती है, उन शब्द के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं आर्द्रता नापने के लिए। तो जहां ज्यादा आर्द्रता होती है यानी वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर उगने वाले पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं, और जहां पर बहुत कम पानी होता है, पानी ना के बराबर होता है, ऐसी जगह पर उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लवणोद्भिद, जहां पर बहुत कम पानी है। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्की मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, ये पूछा जा रहा है, इस कथन को किसने दिया हुआ है। तो पारिस्की क्या है, इकोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए। मानव पर्यावरण को दूषित करता है, पर्यावरण को दूषित करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रदूषण कहते हैं, और प्रदूषण को आपका जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है उसका अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पारिस्की। तो पारिस्की जो है मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, इस कथन को आपका कहा हुआ है रेटर ने। रेटर आपका ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, सन 1868 में आपका इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इन्हीं के आपका देश के यानी जर्मनी के आपका जर्म जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने 1869 जो कि जूलॉजिस्ट थे उन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो इकोलॉजी शब्द के लिए आपका आ जाता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इकोलॉजी सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मैं आपको एक टेबल के जरिए इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, पारिस्की मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, ये किसने कहा हुआ, पारिस्की मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान, ये इसका जवाब होगा ईपी ओडुम। और एक और सवाल यहाँ पर है, पारिस्की तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी, इकोसिस्टम सबसे पहले आपका इस कॉन्सेप्ट किसने दिया, एजी टेंसले ने। तो यहां पर तीन सवाल आपको याद रखने, इकोलॉजी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान रेटर ने बताया, पारिस्की मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान ईपी ओडुम ने, और इकोलॉजी की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी, एजी टेंसले। आइए इनको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। यहां पर इकोलॉजी जो शब्द है वो जर्मन भाषा से लिया गया, जर्मन भाषा में ये इकोलॉजी, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हैकेल ने किया 1869 में। तो जो टर्म है, द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट क्वाइन बाई जर्मन जूलॉजिस्ट हैकेल बट यूज बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट रेटर इन 1868। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जवाब में हैकेल ना मिले तो आपका जवाब रेटर होगा, अदरवाइज आपका जवाब हैकेल रहेगा। जबकि इकोलॉजी सिस्टम शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग एजी टेंसले ने किया 1935 में। इकोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों सहित वातावरण जलवायु एवं मृदा का प्रभाव, जीवों की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है।
एपी उर्दू, जिनको अभी आपका मैंने बताया, इनको कहा जाता है, इनकी किताब का नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, और इन्हें आपका फादर ऑफ इकोसिस्टम या फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, और इन्होंने इसको एक विज्ञान का भाग बताया था। थियोस्फोकस, इनको ग्रैंडफादर ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहा जाता है, यानी विश्व के सर्वप्रथम आपका पारिस्थितिकी एवं वातावरण का पितामह किसको माना जाता है, थियोस्फोकस को। तो आपको कुछ नाम याद रखना है, रेटर सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इकोलॉजी जो टर्म है दैट वॉज कॉइंड बाई हैकल, एजी टेंसले इकोलॉजी सिस्टम, एपी ओडम फादर ऑफ इकोलॉजी, थियोस्फोकस ग्रैंड फादर ऑफ इकोलॉजी। इस पूरी पर्टिकुलर टेबल से आपको पूरी सारी चीजें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अगले प्रश्न यानी 32वें पर, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से दो भाग है। तो इकोलॉजी सिस्टम के दो भाग हैं, जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। तो जैविक और अजैविक घटक यानी आंसर हो जाएगा बी। आइए इसको भी देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना आपको यहां पर नजर आ रही है, इसके घटक दो तरीके के हैं, जैविक और अजैविक घटक। जो जैविक घटक है आप इनको तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। अब यहां पर उपभोक्ताओं, उत्पादक कौन है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता जो है ये भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादकों के जरिए ऊर्जा ग्रहित करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को आपका यूं खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता। इसी तरीके अजैविक घटकों को भी आप कार्बनिक पदार्थों में, अकार्बनिक पदार्थों में और भौतिक पदार्थों में बांट सकते हो। जैसे सूर्य का प्रकाश है ये अजैविक घटक है, अजैविक में भी ना ये कार्बनिक है ना कार्बनिक है, ये कैसा है, भौतिक तत्व है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे आते हैं 33वें सवाल पर, इकोलॉजी सिस्टम में किसकी निरंतर आवश्यकता होती, पूरा संघर्ष खाने को लेकर यानी ऊर्जा को लेकर। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा निरंतर आवश्यकता होती किसकी, ऊर्जा की। तो जवाब हो जाएगा 33वें में ए। 34वें सवाल पर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्यों है, अगेन आपका जवाब यहां पर डी हो जाएगा, पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा प्रवाह। साइकिल जो है एक जो पदार्थों का है जिसमें कोई भी पदार्थ आपका आता है, जन्म लेता है और उसके बाद आपका उसको ना डीकम्पोज करते हैं, ये सारी चीजें आपका यहां पर आती हैं। अगले सवाल 35वें पर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो जो समुद्र है डी ऑप्शन, यानी विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। 36वें सवाल पर आते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र, जो हम ऊर्जा ग्रहित करते हैं उस ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र कौन सा है, यह सूर्य का प्रकाश है। तो डियर स्टूडेंट, पर परितंत्र में मानव क्या है, मानव शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक उपभोक्ता यानी उत्पादकों को जो ग्रहित करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, वो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने आहार के रूप में लेने वाले द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जबकि मनुष्य या फिर जो आपका सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। और इनको आपका जो सर्वाहारी होते हैं इनको सबसे अच्छी न्यूट्रिशंस और विटामिंस प्रकृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 38 की, घरों में जो साज सज्जा के लिए रखा गया कृत्रिम पारितंत्र है उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है घरों में एक्वेरियम रखा रहता है जिसमें मछलियां और उसके अलावा तमाम वनस्पतियां वगैरह सब मिलती हैं, वो किसका एग्जांपल है, कृत्रिम पारितंत्र का, यानी ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले छोटे पारितंत्र, अगेन यहाँ पर एग्जाम आपका जवाब हो जाएगा एक्वेरियम, ये छोटे छोटे पारितंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल है। 40वां सवाल है, सबसे ज्यादा स्थायी पारितंत्र कौन सा है, जो सागर महासागर है इनका इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है। और अगर बात की जाए अस्थायी की तो इसका भी सवाल आगे मिलेगा, पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब बताया जा चुका, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। तो 41 नंबर सवाल का जवाब होगा शाकाहारी। 42 नंबर पर आते हैं कि पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते क्या कहलाता है, आपको वो ये पता है जीवमंडल कहलाता है, जहां पर भी जीवधारी रहते हैं उसको हम लोग जैवमंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। परितंत्र में उच्चतम पोषण इसका स्तर किसको मिलता है, इसका भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, सर्वाहारी जो होते हैं जो ओमनिवोरस होते हैं उनका उच्चतम पोषण स्तर होता है। आगे अगला सवाल, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा है,
तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे फसल पारितंत्र यहाँ पर ऑप्शन है, ये मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा हम जो बस स्टेशन बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं, ये सभी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 45 नंबर सवाल, पारितंत्र में बाज कैसा उपभोक्ता है? तो आपको पता है बाज एक सर्वोच्च उपभोक्ता है, तो जवाब हो जाएगा 45 में डी। अगले सवाल 46 में आते हैं, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस रहते हैं? तो मानसून आपको पता है, मानसून सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला एलिमेंट है। मानसूनी वायुओं को सबसे ज्यादा विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, क्योंकि कभी भी मौसम संबंधी घटनाएं लगातार ना बदलती रहती हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? जो ऊर्जा है वो एक दिशी या दोनों तरफ से, तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, ये किसी भी खाद्य श्रृंखला में पाई जाती है, जो हमेशा आपका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। घास स्थली पारितंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा होता? जब किसी घास स्थली पारितंत्र की बात करते हैं तो उसका पिरामिड सीधा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस सवाल का जवाब। अगला सवाल भी देख लेते हैं, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है। हम बात कर लेते हैं इन दोनों सवालों के ऊपर, पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड क्या है, अवधारणा किसने दी, और कितने तरीके के पिरामिड होते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पिरामिड है इसका संकल्पना सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1947-27 में। नाम देखिए एल्टन, और इन्हीं के नाम से इन पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स कहा जाता है। और ये पिरामिड तीन तरीके के होते हैं, जिनको आपका सामान्यता जंतुओं की संख्या यानी नंबर्स के ऊपर, जैव भार यानी बायोमास के ऊपर, और ऊर्जा, इन तीन आधार पर बनाया जा रहा है। तीन तरीके के पिरामिड है, संख्या पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। अब कौन किस तरीके का बनता है, कौन सीधा बनता है, कौन उल्टा, इस चीज को समझिए। जब हम बात करते हैं जैव भार के पिरामिड की, तो आपके सामने यहां पर देखिए जैव भार के दो पिरामिड, एक अपराइट एक इन्वर्टेड, एक यानी सीधा और एक उल्टा। तो जो पहला पिरामिड जो आपको सीधा नजर आ रहा है, ये सीधा पिरामिड आपका किसका है, किसी भी घास स्थली या पारितंत्र का। चूंकि इसमें घास स्थली पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, और जो उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। संख्या तो कम होती ही होती है, साथ में उनका जैव भार भी क्या होता है, कम होता है। सबसे अधिक जो जैव भार होता है वो, चूंकि उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनका जैव भार अधिक होता है। और इस वजह से जो ऐसे पारितंत्र हैं जिनमें अगर हम जैव भार की बात कर रहे हैं, जैसे किसी घास स्थली, राइट, किसी घास स्थली पारितंत्र में अगर, या किसी भी वन की बात करें, तो वहां पर जो बायोमास होगा वो बायोमास वाला पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन अगर हम आपका किसी एक्वाटिक सिस्टम में, किसी तालाब के पारितंत्र की बात करें, तो तालाब के पारितंत्र में प्रोड्यूसर्स तो ज्यादा होंगे, लेकिन उनके ज्यादा होने के बावजूद इनका भार कम होता है, क्योंकि जो आपके टॉप आपका कॉर्निवोरस होते हैं यानी सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और इनका भार बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से तालाब का जो पिरामिड होगा जैव भार का, वो उल्टा होगा। लेकिन किसी घास स्थली पारितंत्र की बात करें, तो जैव भार के आधार पर उसका पिरामिड सीधा होगा। अगला बात करते हैं, ये संख्या के आधार पर पिरामिड है। ये पहला वाला पिरामिड बट नेचुरल है। जब ग्रॉसलैंड की बात करेंगे घास स्थली पिरामिड तंत्र की, तो उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा, इस वजह से आपका नीचे का बेस बड़ा और ये पिरामिड सीधा बनेगा। लेकिन अगर किसी वृक्ष की बात की जाए, वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की, तो ध्यान दीजिए यहां पर वृक्ष की संख्या एक ही है, जबकि उस पर आपका जो हर्बीवोरस यानी चिड़िया और कीट वगैरह है, उसके अलावा आपका जो परजीवी हैं, सहजीवी हैं, इनकी संख्या आपका लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो नीचे संख्या सबसे कम, वृक्ष एक अकेला, उसके ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत ज्यादा, इस वजह से ये पिरामिड कैसा है, उल्टा है। तो यानी जैव भार का पिरामिड सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता, संख्या का पिरामिड भी सीधा भी बनता, उल्टा भी बनता, बस आपको देखना कि किस तरीके की कंडीशन है। लेकिन संख्या के बाद अगर हम बात करें ऊर्जा की पिरामिड की, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता। जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा बनता है। उसका कारण क्या है, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बात करते हैं,
तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत उत्पादकों के पड़ती है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा ग्रहित करते हैं वो उत्पादक करते हैं, और ये ऊर्जा वो अपने ऊपर के पोषण स्तर में ले जाते हैं तो ऊर्जा का लॉस होता है। यहीं पर ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका लागू होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और जब आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। और यहीं पर आपका लिंडमान का नियम आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिंडमान का रूल है आपका 90:10 का। जब आप किसी भी आपका ऊर्जा सिस्टम में जब ऊपर के पोषण स्तर को ऊर्जा प्रदान करते तो 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, 90% ऊर्जा व्यर्थ होती है, 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। क्या है देख सकते हैं, हरे पौधे अगर 1000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं तो वो सिर्फ आगे शाकाहारियों को 100 कैलोरी मिल रही, यानी सिर्फ 10%, छोटे मांसाहारियों को 100 का 10% यानी 10 मिल रहा, और जो बड़े मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता उनको 1 कैलोरी। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता, सीधा। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी कि पिरामिड कौन से केस में कैसा बनना। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, संख्या के पिरामिड सीधे उल्टे बनते हैं, जबकि जयभार के पिरामिड भी सीधे और उल्टे दोनों तरीके के बनते हैं। आते हैं 50वें सवाल पर। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? चूंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो आपको सीधा यहां पर जवाब देना, जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या वो कौन सी, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक सहायक सिद्ध हो सकती है वो क्या है, मैंने फिर बोला आप टीटी की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको एज अ सब्जेक्ट टैकल करना है ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस को, तो यहां पर भी आप जवाब देंगे पर्यावरण शिक्षा। 52 नंबर सवाल आता है, किसी भी इकोलॉजी सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए जितना भूभाग उपलब्ध हो उसमें कितने प्रतिशत भाग में कम से कम वन संरक्षित रखने की अनुशंसा की गई, यानी कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/3 क्षेत्रफल के ऊपर कम से कम वन होने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर जवाब हो जाना चाहिए 33%, सी ऑप्शन। 53 नंबर सवाल पर आते हैं, कौन से जंतु प्रकृति में हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखते, तो जो पक्षी हैं और जो सरीसृप जंतु ये इनको खा के इन पर नियंत्रण रखते हैं, तो जवाब होगा बी। 54 में द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। 55 में तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कैसा होता है, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता सर्वाहारी यानी ओमनिवरस होता है। 56 पूछा जल क्या है, जल एक यौगिक यानी कंपाउंड है, जल का फॉर्मूला है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपका यहाँ पर होते हैं ना, दोनों का आपका एक यौगिक है, दोनों दो या दो से ज़्यादा जब आपका मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको आपका आप कंपाउंड यानी यौगिक कहते हो, जल एक क्या है, यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र आपको ऑलरेडी पता है H2O है। 58 पर आते, पृथ्वी का कितना भाग लगभग जल से आच्छादित, तो 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा यानी 66% से ज्यादा, यानी जवाब यहाँ पर हो जाएगा 71% भाग जो है जल से आच्छादित है। अगला सवाल आता है 59, इनमें से जलीय पौधा कौन सा है, जो जलीय पौधा है इनमें से हाइड्रिला है, हाइड्रिला एक जलीय पौधा है। जल का गैसी रूप क्या कहलाता है, ये सवाल नंबर है 60। जल जब वाष्प के रूप में बदल जाती है जल वाष्प कहलाती, जो कि जल का गैसी रूप है। 61 है, जल का धरातली सूत्र क्या है, जल जो धरातली सूत्र है वो है आपका नदियां, नदियां आपका जल का धरातली सूत्र है। समुद्र का जल कैसा होता है, आपको पता है समुद्र का जल खारा होता है, सॉल्टेड वाटर होता है, तो 62 का सही जवाब होगा डी। 63 में पूछा प्रकृति में जल का पुनः चक्रण साइकिल रिसाइकल कैसे होता है पानी, तो आपको पता है वर्षा के द्वारा पहले भाप बनती जल वाष्प बनती और वो वर्षा के द्वारा जल का पुनः चक्रण होता है। 64 सवाल पर आते, नमक किस प्रकार के जल से बनाया जाता है, तो समुद्री जल उससे नमक बनाया जाता है, आपको पता है। 65 आते हैं, शुद्ध जल की विद्युत चालकता कैसी होती है, ध्यान रखिएगा शुद्ध जल की विद्युत चालकता कम होती, जितना अशुद्ध जल होगा उसमें विद्युत चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर आप शुद्ध जल में खड़े हुए हो आपको करंट नहीं लगेगा या लगने के आसार कम होंगे, लेकिन अशुद्ध पानी में करंट ज्यादा तेजी से दौड़ेगा क्योंकि उसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जमने के बाद जल का घनत्व क्या हो जाता है, दो टर्म्स है यहाँ पर, घनत्व और आयतन, घनत्व यानी डेंसिटी, आयतन यानी वॉल्यूम। तो जब जमता है जल तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा फ्रीज होने पर, जैसे आपने मान लिया बर्फ को जमाना है, आपने एक बाउल यानी कटोरी में पूरा लेवल तक ऊपर तक पानी भर लिया और उसको फ्रीजर में रखा, जब वो जमता है यानी फ्रीज हो गया तो उसकी डेंसिटी तो कम होती, लेकिन वो चूंकि आपने देखा होगा बर्फ बाहर निकल जाती है
पानी का लेवल आपने ऊपर तक रखा था, लेकिन बर्फ ज्यादा आपको जमी हुई ऊपर तक मिलेगी, वो उसका आयतन है। तो जमने पर जो जल है उसका घनत्व तो कम होता है, डेंसिटी कम होती है, जबकि उसका जो वैल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही आपका डेंसिटी का मास अपॉन वैल्यूम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, घनत्व तो कम होगा जमने पर जल का, लेकिन जो आयतन है वो बढ़ता है। 67 है, शुद्ध जल कैसा होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध जल का? वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध जल होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है, इसी वजह से आपका जीरो TDS वाला जल है ये। जल का अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है इसका। जल उबलता कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो आपको पता 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 69 का 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी डी आंसर होगा। 70 में पूछा हुआ, पौधे किस क्रिया में जल वाष्प को बाहर निकालते हैं? तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन प्रोसेस में जो वाटर वेपर है उसको बाहर निकालते हैं। 71, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल? आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड है उसमें 40% भाग लगभग जल होता है। बॉडी में जो ब्लड है उसका ऑलमोस्ट 40% भाग जल होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल कितना होता है? आपकी ब्लड में 40% वाटर है, लेकिन आपकी बॉडी में ओवरऑल जल 2/3 से ज्यादा होता है। तो इसका सही जवाब आपका कितना होगा? इसका सही जवाब डियर स्टूडेंट्स आपका होना चाहिए 65%। इसमें आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, जो 25% है इसको आपको 65% कर लेना रहेगा। तो जो मानव शरीर में जल है वो 2/3 होता है, तो आपको यहां पर एक चेंज करना है, दैट इज 66% जल होता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर, शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती तो इसको क्या कहते हैं? शरीर में पानी की कमी होने पर इसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का अर्थ होगा शरीर में पानी की कमी हो जाना। पानी शुद्ध किससे किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग जल में क्या मिलाते हैं? हम लोग क्लोरीन मिला देते हैं। क्लोरीन मिलाने से होता है क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं पानी में वो मर जाते हैं, और बैक्टीरिया के मरने से पानी शुद्ध हो जाता है। जो जल स्रोत है उनमें क्या डाला जाता है जल को शुद्ध करने के लिए? तालाब वगैरह, कुएं, इनमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, जिसको लाल दवा भी आप कहते हैं। ये लाल दवा करती क्या है आपका, ये आपके तमाम तरीके के जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोकती है। उसके अलावा जो मैग्नीज और आयरन, इनके जो डिजॉल्व होते हैं जो जल में, उसको ये फिल्टर करने मदद करते हैं, क्योंकि उसको ये आपका उसके पार्टिकल्स को सल्फाइड में चेंज कर देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, जिससे कि उनको फिल्टर करना आसान होता है। जल स्रोतों में हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जिसको आप लाल दवा भी कहते हो। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी क्या है? जब जलीय जीवन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, किसी तालाब या नदी में ऑक्सीजन कमी हो जाए, तो इसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। किस जल के साथ साबुन के झाग ज्यादा बनते हैं? तो जितना अच्छा शुद्ध जल होगा यानी मृदु जल है, उसके साथ साबुन के झाग उतने ही ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है 78, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु को कहते हैं। एक कोश की प्राणी इनमें से कौन सा है? अमीबा एक कोश की प्राणी है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस यानी डी ऑप्शन मानव का वैज्ञानिक नाम है। सबसे सरल बहुकोशिक जंतु कौन सा है? सबसे सरल बहुकोशिक जंतु स्पंज है। जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो ये आपको पता, सेल यानी कोशिका सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जल और जमीन दोनों स्थान पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? इनको उभयचर कहते हैं यानी एम्फीबियन। अगला सवाल आता है, इनमें से नभचर स्तनधारी कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता, चमगादड़ एक नभचर स्तनधारी है। कंगारू कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। कौन सा जंतु स्तनी नहीं है? इनमें से शुतुरमुर्ग ऐसा है जो कि मैमल वर्ग यानी स्तन वर्ग में नहीं आता है, ये अंडे देता है शुतुरमुर्ग। आर्थ्रोपोडा का लक्षण क्या है? आर्थ्रोपोडा के लक्षण होते हैं, इनकी टांगे हमेशा जोड़ी में होती हैं, तो जोड़ीदार टांगे आर्थ्रोपोडा ग्रुप के का एक लक्षण है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी RBC जो होते हैं वो केंद्रक विहीन किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में आपका केंद्रक विहीन होते हैं, सेंटर में नहीं पाया जाता। कौन सा जीव किसानों का मित्र कहलाता है? बहुत आसान सा सवाल, केचुआ जवाब हो जाएगा, किसानों का मित्र कहलाता है। ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी की सॉयल जो है ना वो बढ़ती है, क्योंकि ये लगातार धीरे धीरे ना मिट्टी के अंदर उसको खोदा करते हैं।
कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकांडिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकांडिया है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हम इनमें कैसे को कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है रेपलेसिया, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है रेपलेसिया। और संसार का सबसे लंबा पुष्प भी आपका रेपलेसिया ही है। अब आपको ये ध्यान देना है, सबसे बड़ा पुष्प और सबसे लंबा पुष्प रेपलेसिया। आप देखिए आपके पास यहां पर स्क्रीन पर दो तरफ आपको लेफ्ट और राइट, ये एक ही पुष्प है। इसका जो लाल वाला हिस्सा है ये आपको लेफ्ट में दिखाया जा रहा है। ये लगभग 3 फीट से भी ज्यादा ऊंचा पौधा होता है रेपलेसिया। इसका व्यास भी 3 फीट से ज्यादा होता है। इसमें आपका मरे हुए जानवर की जैसी महक या मीट जैसी मांस की, सड़े हुए मांस जैसी महक आती है। ये पौधा पाया जाता है, ये पुष्प पाया जाता है इंडोनेशिया में। अगला सवाल आते हैं, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष है। इसी का यहां पर अगला सवाल है, किस वृक्ष का पर्यावरण भी सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। यूकेलिप्टस का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसको आपका प्रकृति का आतंकवादी भी कहा जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपका भूमि की उर्वरता को घटाने का काम यही कर रहा है, जल बहुत ज्यादा ग्रहण करता है और इस वजह से इसको सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष कैसे होते हैं, लवणोद्भिद होते हैं, क्योंकि वहां पर लवण की मात्रा ज्यादा होती है। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कैसे होते हैं, शुष्क वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं वो मरुद्भिद होते हैं, क्योंकि मरुस्थल आपको पता है। अब सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा, इनमें विक्टोरिया रिजिया जो पौधा है ये सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। आते डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 100 पर, कॉफी किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो कॉफी जिस पौधे से प्राप्त की जाती है इसका नाम है कोफिया अरेबिका, यानी जवाब हो जाएगा बी। 101वां सवाल है, जो सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग है जो कि एक मसाला है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स ऑप्शन में आपको पुष्प मिलता है, लेकिन यहाँ पर पुष्प न मिलकर आपको कली यानी बड मिल रहा है। तो आपका सही जवाब जो मसाला यानी लौंग का पौधा है, लौंग जो मिलता है आपको ना, वो किससे मिलेगा, कली यानी बट से। क्वेश्चन नंबर 102, जल निमग्न पौधे कैसे होते, जो जल में डूबे हुए होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जल निमग्न, यानी पूरी तरीके से जल में डूबे हुए पौधे, ये जल निमग्न पौधे, जैसे सिंघाड़ा हो गया, लाइकेन हो गया। अगला सवाल आते हैं 103, पौधों से प्राप्त पेय पदार्थ यानी बेवरेज जिनमें से कौन सा नहीं है। तो चाय पौधे से प्राप्त होती, कॉफी कोकी सभी आपका पौधे से प्राप्त होते, लेटेक्स जो रबर है ये भी पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन ये पेय पदार्थ नहीं है। तो 103 का जवाब हो जाएगा सी, यानी लेटेक्स ये पेय पदार्थ नहीं है। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण होते हैं, ये पत्ती का रूपांतरण होते हैं ऐसी जगह जो कि मरुस्थल भूमि होती है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है, वहां नागफनी पौधे उगते हैं, जो कि कांटे होते हैं वो पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। 105वां सवाल है, तेल व रेशा प्रदान करने वाला पौधा कौन है। तेल और रेशा दोनों प्रदान करने वाला पौधा डियर स्टूडेंट्स है बी ऑप्शन, यानी नारियल। नारियल से आप तेल और रेशा दोनों मिलता है। जबकि अगर जूट की बात की जाए तो जूट एक ऐसा पौधा जिसमें कि हम वेस्ट बंगाल को ऑप्शन टिक करते हैं कि सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल है, उससे सिर्फ आपको रेशा प्राप्त होता है। 106वां सवाल है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है। जो पेंसिलिन है इसकी खोजकर्ता स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ध्यान रखिएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के पेंसिलिन की खोजकर्ता, और ये मिलता है कवक से। 107वां सवाल, किस तत्व की कमी के कारण मक्का में वाइट बग रोग होता है। वाइट बग रोग के लिए जिम्मेदार है जस्ता, इसकी कमी से हो जाता है वाइट बग रोग। अगला सवाल है 108वां, किस तत्व की कमी कारण मटर में मार्श नामक रोग उत्पन्न होता है। ये मैग्नीज की कमी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, इसकी कमी से उत्पन्न होता है। 109वां सवाल, किस तत्व की कमी कारण आम और बैंगन में लिटिल रोग उत्पन्न होता है। छोटे छोटे साइज रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं आम और बैंगन, और ये होता है जस्ते की कमी की वजह से। 110वां सवाल, लीची में जो पत्तियां जल जाती हैं ये किस तत्व की कमी से होती है। इसके लिए पोटेशियम जिम्मेदार है, सी ऑप्शन पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम होगा। एक ये फर्टिलाइजर कह सकते हो आपका, ये उर्वरक जिसकी कमी से जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं।
फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक रोग किसकी कमी से होता है? ब्राउनिंग जो रोग होता है ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। 112वां सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन नंबर एक पर आती है, 78% नाइट्रोजन मिलती है। अगला सवाल, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? नाइट्रोजन प्रथम नंबर पर जबकि ऑक्सीजन द्वितीय नंबर पर है, ऑलमोस्ट 21%, यानी यहां पर जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, 20.95%। 114वां सवाल, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितने परसेंट है? ये तीसरे नंबर पर आती है आर्गन, और इसकी मात्रा 1% से थोड़ा सा कम, यानी जवाब हो जाएगा सी, यानी 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा हमारे वातावरण में 0.04% इस समय उपलब्ध है, इसका मतलब ये हो गया कि 115वें सवाल का जवाब होगा डी। 116वां सवाल है, वायुमंडल में पानी की कमी व अन्न की मात्रा कितने प्रतिशत होती? पानी जो नमी के रूप में होता है, गैस के रूप में, आपका वाष्प के रूप में मौजूद होता है, तो पानी की जो मात्रा हमारे वायुमंडल में है ये आपका मात्र और मात्र 0.08%, यानी ए आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको पूरा मैं एक टेबल में दिखा देता हूं, ये वायुमंडल में अलग अलग गैसेज है। नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा 78.8 नंबर एक पर, ऑक्सीजन 20.95 नंबर दो पर, आर्गन 0.93% नंबर तीन पर, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% चार पर, नियान 0.02%, हीलियम 0.005%, इस तरीके से आपका क्रिप्टॉन, जीनान और हाइड्रोजन। तो शुरुआत की आपको 3, 4, 5 गैसेज याद रखनी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियान। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 117वां, वायुमंडल में समताप मंडल का विभाजन कितना है? 117वां सवाल है, समताप मंडल ये कहां से कहां तक पाया जाता है? तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल शुरू होता है, ये 12 से 30 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है, यानी जवाब हो जाएगा हमारा ए। अगला सवाल आते हैं 118वां, वायुमंडल में मध्य मंडल का विभाजन कहां से कहां? मीजोस्फीयर, ये 30 से 80 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है, जवाब हो जाएगा बी। 119वां सवाल है, वायुमंडल में आयन मंडल आयनोस्फीयर कहां से कहां तक है? तो 80 से 400 किलोमीटर, यानी जवाब हो जाएगा सी। वायुमंडल में वायुमंडल एक्जोस्फीयर कहां से कहां तक पाया जाता है? ये 400 किलोमीटर के बाद का हिस्सा एक्जोस्फीयर कहलाता है। एक जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे बादलों का गरजना, बिजली का तड़कना, ये सभी कहां पर होती, किस मंडल में होती? तो सबसे जो निचला मंडल है पृथ्वी की सतह के साथ लगा हुआ क्षोभ मंडल, वहां पर ही सारी घटनाएं होती हैं। आइए एक नट सेल में इनको भी देख लेते हैं। ये हमारा पर्यावरण, जिसको हम आपका चार मुख्य भागों में बांटते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। स्थल मंडल जहां पर मनुष्य निवास करता है, जल मंडल आपको पता है जो जल से घिरा हुआ आवरण है पृथ्वी का, लगभग 2/3 से ज्यादा भाग, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह के ऊपर का भाग, ये वायुमंडल है, और इसको आपका बांटा गया चार मुख्य मंडलों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, और ताप मंडल को पुनः दो मंडलों में बांटा गया, आयन मंडल और वायुमंडल में। तो इसको और देखते हैं, जो ये पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से सबसे पहले आप देख रहे ट्रोपोस्फीयर, यानी आपको क्षोभ मंडल बताया जा रहा है, 0 से 12 किलोमीटर तक। सामान्य तौर पर जो ध्रुव है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर इसकी ऊंचाई कम होती है, और जो भूमध्य रेखा है उस पर इसकी ऊंचाई ज्यादा, तो 8 से 12 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल मिलता है। बादलों संबंधी सारी घटनाएं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं पर रहती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर की यानी समताप मंडल की बात करते, 12 से 50 किलोमीटर में है, दो भागों में बांटा गया है, लोअर एंड अपर। लोअर में आपका यहीं पर ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत की वजह से आपका इसमें ताप समान रहता है, और जो हमारे वायुयान वगैरह है ये भी आपका इसमें उड़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, यहाँ तापमान बहुत तेजी से आपका गिरता है, और यहाँ पर उल्कापात जैसी घटनाएं होती रहती हैं, ये आपका 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फीयर, जो कि आपका सबसे बाहरी भाग है, इसको आयनोस्फीयर और एक्जोस्फीयर में बांटा गया है। आयनोस्फीयर में पता आपका आयन मंडल है, यहाँ पर आपका धन आवेशित जो किरणें हैं, धन आवेशित जो पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से जो हम आपका के यहाँ से रेडियो वेव्स भेजते हैं वो वापस आ जाती हैं, और इस तरीके से जो कम्युनिकेशन संभव होता है वो हमारा आयन मंडल की वजह से ही हो पाता है, और जो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं ये हमारे एक्सोस्फीयर में होते हैं, तो आपको ये काफी मदद करेगा। अगला सवाल आते हैं, किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है?
तो इनमें से मैग्नीशियम ऐसा है जिसके दहन के लिए यानी जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला सवाल बहुत ही आसान है, ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? आपको पता है सफेद रंग के कपड़े हम ग्रीष्म ऋतु में पहनते हैं, जबकि जो काले रंग के कपड़े इनको हम आपका सर्दियों के मौसम पहनते हैं, क्योंकि ऊष्मा का जो संचरण है वो सफेद रंग के कपड़ों में आपका संभव नहीं हो पाता है। तो सफेद रंग के कपड़े में गर्मियों में आपका आराम देते हैं, क्योंकि आपका इसमें हीट आपका ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। 124वां सवाल, रेडियो तरंगे किस मंडल से लौट के आती हैं? अभी आपको बताया आयन मंडल से लौट के आती है रेडियो तरंगे। 125वां सवाल है, ओजोन छिद्र कहां पाया गया? उत्तरी ध्रुव पर अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र पाया गया। वहां पर ओजोन जो परत है जिसकी मोटाई करीब 20 से 22 किलोमीटर तक होती, काफी पतली वहां पर हो गई है। 126वां सवाल आता है, ओजोन परत मानव की सुरक्षा किससे करती? जो सूर्य से आने वाली सीधी अल्ट्रावायलेट रेजेज होती है उनसे ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। 127वां सवाल, ओजोन गैस की परत कितनी है? ये करीब आप इसका जवाब 20 किलोमीटर मोटाई कर सकते हो, कई जगह पर 22 में मिलता है 18 से 22, लेकिन सामान्य तौर पर औसत ये 20 किलोमीटर मोटाई ओजोन गैस की परत की होती है। 128वां सवाल, भारत की हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसका है? एम एस स्वामीनाथन, इनको आपका भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि पहला ऑप्शन वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि मैक्सिको के थे, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोनों व्यक्ति कुरियन और स्वामीनाथन दोनों का संबंध कृषि से है, और कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध आपका भारत में दुग्ध क्रांति से, जबकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको के थे, इनका कहा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में जो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य किया सर्वप्रथम आपका वो मैक्सिको के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया, और भारत में यही काम किया एम एस स्वामीनाथन ने, जबकि भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति को बढ़ावा, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में जो सबसे ज्यादा योगदान है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। 129 में आते हैं, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती? तो आपको पता है ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के भी दो भाग हैं, निम्न और उच्च, तो निम्न समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। 130वां, वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस विद्यमान है? सबसे बाहरी भाग में सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन, ये विद्यमान है। फोटोकॉपी करने वाली मशीन कौन सा हानिकारक प्रदूषण वायुमंडल भेजती है? फोटोकॉपी करने वाली मशीन से जो ओजोन है वो निकलती है, जो कि हमारे आपका वातावरण में ही बंद के रह जाती, ऊपर जा नहीं पाती है। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा बना हुआ? ताजमहल को मुख्य खतरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपका मुख्यतः कोयले वगैरह को जलाने पर जो अधूरा कोयला जलता है, जो पूरी तरीके जिसका दहन नहीं हो पाता, उससे रिलीज होता है, और इसकी वजह से ये ताजमहल बेसिकली एसिड ड्रेन होती है और पीलापन होने का खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। 133वां सवाल है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर किस तरीके का सबसे बड़ा प्रदूषण है? चूड़ियों का यानी कांच के उद्योग धंधों के कारण यहां पर सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। कानपुर में भी आपका लेदर इंडस्ट्रीज क्लस्टर की वजह से जो सबसे ज्यादा जल प्रदूषण की समस्या थी, तो आपको ध्यान रखना है कौन से शहर में किस इंडस्ट्री की वजह से कौन सा प्रदूषण ज्यादा है। 134वां सवाल है, 1 गैलन पेट्रोल जलने पर कितने पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती? तो 3 पॉइंट यानी करीब करीब आपका ये 1 किलो 200 ग्राम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है अगर 1 गैलन पेट्रोल जलता है। पेट्रोल के दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें रिलीज होती हैं। कोयले और पेट्रोलियम अगर ऐसे ईंधन जलाए जाते हैं तो इनके दहन से वायुमंडल में कौन सी गैसेज रिलीज होती? कोयले का अगर अपूर्ण दहन होता है प्लस साथ में डीजल पेट्रोल जैसे अगर हम पेट्रोलियम ईंधन जलाते हैं, तो इनसे सबसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी गैसें रिलीज होती। तो यहां पर 135वें का सही जवाब डियर स्टूडेंट्स होगा ए। 136वें में पूछा हुआ, वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन सा है? तो मीथेन CH4 जो कि मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है और ये सबसे बड़ा आपका प्रदूषक है। 137वां सवाल है, मनुष्य की श्वास संबंधी बीमारियों के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो श्वास संबंधी बीमारियां मुख्यतः वायु प्रदूषण से फैलती हैं। 138वां सवाल, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है? जब भी जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं तो उनको जलाने से मुख्यतः विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी बी ऑप्शन, ये रिलीज होती है। 139वां सवाल है, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर जवाब करिएगा बी।
आगे आते हैं 140 में, वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया गया। तो आजकल डीएस स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया होगा कि हर जगह पेट्रोल पंप पर एक स्लोगन लगा रहता है, शीशा रहित पेट्रोल, और ये वायु प्रदूषण में जो है तमाम तरीके के आपका ये रोग उत्पन्न करता था, श्वास संबंधी रोग वगैरह के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था। तो आजकल के पेट्रोल में आपका शीशा नहीं मिला हुआ होता, शीशा रहित पेट्रोल जो है ये आजकल मिल रहा है। तो पेट्रोल से जिस वस्तु को निकाल दिया गया प्रदूषण को रोकने के लिए वो है शीशा। आते हैं 141वें सवाल पर, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से किसको जाना जाता है। तो जो ओजोन परत है जो कि पृथ्वी पर आप लोगों की अल्ट्रावायलेट रेजेस, सूर्य से आने वाली यूवी रेजेस से सुरक्षा करती है, इसको हम सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, घर के रसोई में जो मुख्यतः वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्व होता है वो कौन सा होता है। यहां पर सवाल में थोड़ा सा एरर है, इसमें आपको ध्यान रखना है घर के रसोई में मुख्यतः वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो तत्व है, या घर का जो ऐसा कर लीजिए सवाल में कि घर के रसोई में मुख्यतः कौन सा वायु प्रदूषक तत्व होता है। तो घर की रसोई में आप जो अगर जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हो, जैसे कंडा है, लकड़ी ये जलाते हैं, तो इनसे सबसे ज्यादा मात्रा में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। सवाल नंबर 143 पर आते हैं, 1952 में लंदन में हुए धूम्र कोहरे के कारण कितने लोग मारे गए थे। तो धूम्र कोहरा यानी फोटो केमिकल स्मोक, जिसमें कि आपका आपने देखा होगा दीपावली के आसपास के टाइम पे जो धुंध है उसके साथ तमाम तरीके के केमिकल्स मिलके एक बड़ा ही खतरनाक जहरीला मिश्रण तैयार करते हैं, जिसको हम लोग धूम्र कोहरा या फोटो केमिकल स्मोक कहते हैं। लंदन में आपका उस समय करीब 400 लोग मारे गए हुए थे। 144वां सवाल, श्वसनी शोथ, श्वसन सनिका, दमा, ये लोग किससे उत्पन्न होते हैं, इनके लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो 144 का जवाब हो जाएगा डी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। 145वां सवाल है, मानव मस्तिष्क पर किस चीज का कुप्रभाव पड़ता है, इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है। तो जवाब हो जाएगा 145 का बी। 146 में कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन यानी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्रियों की संख्या, वाहनों की संख्या बढ़ने से इसकी मात्रा बढ़ती जा रही, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का औसत तापमान लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 147वां सवाल, विकिरण प्रदूषण से किस रोग की संभावना, रेडिएशन से जो सबसे ज्यादा संभावना रहती है वो कैंसर की, यानी स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर की। 148वां सवाल है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया में कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक तिहाई क्षेत्र के ऊपर कम से कम वन होने चाहिए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें जवाब हो जाएगा आपका 33%, यानी सी ऑप्शन। 149वां सवाल है, वायु में उपस्थित किस कार्बन द्वारा एसिड रेन की संभावना रहती है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से एसिड रेन की संभावना रहती है, और सबसे ज्यादा नुकसान ये इमारतों को पहुंचाती है। 150वां सवाल है, वायु में उपस्थित किस कार्बन द्वारा यकृत और लीवर खराब होने की संभावना रहती है। तो जो शीशा होता है लेड, इसके द्वारा यकृत और लीवर खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। हालांकि पेट्रोल वगैरह में इसका प्रयोग पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। 151 नंबर सवाल है, वायु में उपस्थित किस कार्बन द्वारा कैंसर का खतरा रहता है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो आपका वायु में है, इनकी उपस्थिति से कैंसर का खतरा रहता है। 152वां सवाल है, कौन सा कार्बन हवा को प्रदूषित करता है। तो हवा को प्रदूषित करने का काम इनमें फ्लोराइड करता है, फ्लोराइड एक कार्बन तत्व है और ये हवा को प्रदूषित करता है। 153वां सवाल है, वायु में उपस्थित किसके होने से नासिका पर प्रभाव पड़ता है। वायु में किसकी उपस्थित होने पर नासिका और श्वसन नलिका पर प्रभाव पड़ेगा, ये एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड्स की वजह से जो श्वसन तंत्र है ये प्रभावित होता है और नासिका पर प्रभाव पड़ता है। 154वां सवाल है, वायु में किसकी उपस्थिति होने से वृक्क के कार्य मंद होने पर पीलिया होने की संभावना रहती है। जो लंग्स है आपका, लंग्स इंफेक्शन होता है और इससे ज्वाइंटिस यानी पीलिया होने की संभावना बढ़ती है। इसके लिए मुख्यतः जो जिम्मेदार है वो अमोनिया है। 155वां सवाल है, वायु में किसकी उपस्थिति होने पूरे श्वसन तंत्र पर घातक का प्रभाव होता है। तो जो क्लोरीन होती है इसकी वजह से आपका पूरे श्वसन तंत्र आपका उस पर प्रभाव पड़ता है। 156वां सवाल, वायु में किसकी उपस्थिति होने पर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से पूरे तंत्रिका तंत्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। 157वां सवाल है, वायु में उपस्थित किसके होने से श्वसन व रक्तवाहिनी का क्षरण होता है। तो श्वसन व रक्तवाहिनी का क्षरण हाइड्रोजन क्लोराइड यानी ए ऑप्शन के होने की वजह से होता है। 158वां नंबर का सवाल है, वायु में उपस्थित किसके होने से आंखों व गले में जलन व श्वसन रोग उत्पन्न होता है।
आंखों और गले में जलन और श्वसन रोग, इनकी आपका दिक्कत हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से आती है। 158 में जवाब होना चाहिए सी ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड। 159 नंबर सवाल है, वायु में उपस्थित किसके होने से कफ, जलन और श्वसन रोग होते हैं। अगेन आपका यहां पर हम जवाब कर सकते हैं फॉस्पिन, फॉस्पिन की वजह से कफ और जलन जैसे आपका लक्षण उत्पन्न होते हैं। 160 नंबर सवाल है, वायु द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो वायु द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके लिए चेचक, खसरा और डिप्थीरिया जैसी बीमारियां ये वायु द्वारा, प्रदूषित वायु द्वारा उत्पन्न होती हैं। जबकि 161 नंबर सवाल में पूछा गया, जल द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो प्रदूषित जल है इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं हैजा, पेचिस और टाइफाइड। भोजन द्वारा यानी प्रदूषित भोजन द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्रदूषित भोजन लेने से हैजा और टाइफाइड यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं। 163 नंबर सवाल, मादा एनोफिलीज मच्छर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो आपको पता है ये मलेरिया आपका उत्पन्न करता है। 164 नंबर सवाल है, स्वाइन फ्लू सर्वप्रथम किस देश में फैला था। स्वाइन फ्लू सबसे पहले फैला हुआ था मैक्सिको देश में। 165 नंबर सवाल आता है कि स्वाइन फ्लू रोग किस वायरस की वजह से होता है। स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार वायरस है H1N1। 166 नंबर सवाल है, ध्वनि की इकाई क्या, ध्वनि को हम ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। जनरली आपका इसको हम डी यू करके लिखते हैं, डी स्मॉल एंड यू कैपिटल, और ये डेसिबल का साइन होता है। किस तीव्रता के बाद ध्वनि मनुष्य के लिए अत्यंत असुविधाजनक हो जाती है। तो 120 डेसिबल के बाद ये मनुष्य के लिए असुविधाजनक हो जाती है। आपके लिए टेम्परेरी यानी टेम्परेरी तौर पर आपको ये बहरा कर सकती है अगर 120 डेसिबल के ऊपर की आवाज है, और 150 डेसिबल के ऊपर की आवाज आपके कान के पर्दे भी फाड़ सकती है। हमारा कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। हम 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 हर्ट्ज तक। डियर स्टूडेंट्स के बी ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए, यहां 2000 लिखा हुआ है, आपको 20,000 हर्ट्ज रखना है। तो ध्यान रखिएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, राइट, इतना हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ये ध्वनियां होती हैं इनको हम नहीं सुन सकते, ये अपश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। इनको आपका तमाम जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली, ये सुन सकते हैं। जबकि 20,000 से ऊपर की आपका जो ध्वनि तरंग ये आवृत्तियां होती हैं ये पराश्रव्य में आती हैं। साइलेंस जोन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कितनी तीव्रता तक की आवाज की अनुशंसा की गई हुई है। तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है इसके लिए साइलेंस जोन आपका जो बनाया गया है उसके लिए 50 डेसिबल तक की आवाज की अनुशंसा की गई है। रात में जबकि ये सीमा सिर्फ 45 डेसिबल ही बसती है। शांत ध्वनि की सीमा क्या है। तो अगेन आपको बात की जा रही शांत ध्वनि की सीमा की, तो 26 से लगा के 65 डेसिबल तक की सीमा ही शांत ध्वनि सीमा है। मनुष्य के हृदय की धड़कन में ध्वनि का स्तर कितना होता है। मनुष्य के हृदय की ध्वनि जो होती है ये सिर्फ 15 डेसिबल होती है। तो इसका जवाब आपका डी यानी 15 डेसिबल होना चाहिए। जब हम लोग सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं तो ध्वनि का स्तर कितना होता है, ये होता है 50 से 60 डेसिबल। 173 नंबर पर आते हैं सवाल, कार का हॉर्न जो होता है, अगर नॉर्मल हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न की बात नहीं हो रही, तो उसमें कितना स्तर होता है ध्वनि का, ये 80 से 90 डेसिबल होता है। 174 में बात करते हैं, शेर की दहाड़ में ध्वनि का स्तर कितना होता है, ये 90 से 95 डेसिबल तक होता है। डियर स्टूडेंट्स 175 नंबर सवाल पर आते हैं, सड़क पर जो शोरगुल होता है वो ध्वनि पर वहां पर तीव्रता का स्तर कितना होता है। सड़क पर जो शोरगुल होता है ये नॉर्मली 80 से 100 डेसिबल तक के बीच में होता है। जब 176 नंबर सवाल की बात करते हैं, बादलों में बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, उस समय ध्वनि की तीव्रता का स्तर कितना होता है, तो ये 120 डेसिबल होता है। डियर स्टूडेंट्स 177 पर आते हैं, जब जेट एरोप्लेन इंजन स्टार्ट होता है, जब जेट प्लेन उड़ता है, फाइटर जेट प्लेन, तो उससे के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता का स्तर कितना होता है, ये 105 डेसिबल होता है। 178 नंबर सवाल है, मध्य प्रदेश में सुश्री मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया पर्यावरण आंदोलन कौन है। मेधा पाटेकर जानी जाती नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। 179 नंबर सवाल, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इन्होंने कौन सा पर्यावरण आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। आपको पता है वृक्ष बचाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। पांडुरंगा हेगड़े ने कर्नाटक में कौन सा पर्यावरण आंदोलन चलाया, तो चिपको की तर्ज पर दक्षिण भारत में कर्नाटक में पांडुरंगा हेगड़े के द्वारा अपिक्को आंदोलन चलाया गया। दोनों ही आंदोलनों में चिपको और अपिक्को में तमाम जो आपका स्थानीय लोग थे उन्होंने अवैध रूप से पेड़ काटे जाने का विरोध किया, पेड़ों को बचाया, वनों को बचाया।
गोवा की पीसफुल सोसाइटी, इसने कौन सा पर्यावरण आंदोलन चलाया, इसके द्वारा पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन चलाया गया। 182 नंबर सवाल है, कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन चलाया, इनके द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन था मैत्री आंदोलन। तो ये कुछ प्रमुख आपका आंदोलन जो कि भारत में पर्यावरण सुधार कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए गए हैं। 183 नंबर सवाल है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, कार्बोहाइड्रेट मात्र 1% भाग बनाता है, तो इसका अर्थ ये हो गया 183 में जवाब होगा 1%। जंतु वसाएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, तरल होती हैं, अर्ध ठोस, तो ये आपका अर्ध ठोस होती है, जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती हैं। वनस्पति वसाएं कैसी होती हैं, वनस्पति वसाएं ये तरल रूप में होती हैं, आपने वनस्पति डालडा घी वगैरह में देखा होगा, ये तरल रूप में आपका मिलती है। वसा का जल अपघटन कहां पर होता है, तो वसा का जल अपघटन लाइपेस एंजाइम द्वारा होता है, और कौन सी आंत में होता है, जो ये फैट है ये अपघटित यानी डीकम्पोज हमारी छोटी आंत में होता है। वसाएं जल में कैसी होती हैं, जो वसा यानी फैट होता है ये जल में अविलेय होता है, ये आपका घुलता नहीं है। ऊतकों की वृद्धि का काम कौन करता है, जो प्रोटीन है ये हमारे ऊतकों की वृद्धि का काम करते हैं, यानी टिश्यूज की वृद्धि का काम, ग्रोथ का काम प्रोटीन करता है। शरीर में जो वृद्धि और मरम्मत है इसके लिए भी जरूरी होती है किसकी, प्रोटीन की, तो 189 का भी जवाब होना चाहिए प्रोटीन। 190 एंजाइम का निर्माण कौन करता है, एंजाइम के निर्माण के लिए मुख्यतः प्रोटीन जिम्मेदार है, जवाब होगा ए। शरीर का सुरक्षा एंटीबॉडी का कार्य कौन करता है, शरीर के जो एंटीबॉडी के काम करता है, प्रतिरोधक के रूप में काम करता है, ये भी प्रोटीन ही करता है। शरीर में हार्मोन्स के निर्माण का कार्य कौन करता है, ये भी प्रोटीन करता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में उत्पन्न होने वाला मुख्यतः रोग कौन सा, क्वाशाकोर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, तो आंसर होगा डी। खनिज लवण शरीर के कितने प्रतिशत भाग पर बनाते हैं, ये 6.1% जो खनिज लवण हमारे हैं शरीर का, ये 6.1% भाग का निर्माण करते हैं। 195 नंबर सवाल है, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है, तो BIS मार्क्स, भारत जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्क्स हैं ये प्रदान किए जाते हैं, गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। 196 नंबर सवाल है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने खाद्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा था, तो स्वामीनाथन ने खाद्य पदार्थों को कुल 11 भागों में बांटा हुआ था, जबकि सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों को बांटने का काम किया हुआ था कैरोलिन हॉस्ट ने। और सवाल ये कि कैरोलिन हॉस्ट ने खाद्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा, 198 नंबर सवाल, इन्होंने 5 भागों में बांटा हुआ था। अब कुछ रोगों से प्रमुख सवाल, कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, अगले कुछ सवाल इस पर बेस्ड हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपको पता है रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, विटामिन बी की कमी से होने वाला बीरीबीरी रोग है। तो डियर स्टूडेंट्स 200 तक आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 201 पर। क्वेश्चन नंबर 201 और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस विटामिन डिफिशियंसी से रिलेटेड है। पिछले भी दो प्रश्न आपका विटामिन डिफिशियंसी से रिलेटेड थे, क्वेश्चन नंबर 199 और 200। 199 में था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, आपको बताया था रतौंधी, और 200 में था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। अब आता है नंबर विटामिन सी का, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ये चीज बहुत आसान सवाल है, स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल आता है कि विटामिन सी के बाद विटामिन डी, 202 नंबर सवाल है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जनरली उसका साइंटिफिक नेम आपका रिकेट्स है, तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला है। सूर्य का प्रकाश सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। आगे आते हैं 203 नंबर सवाल, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी होती है। तो डियर स्टूडेंट विटामिन ए से होता है क्या, मसल्स वीक हो जाती हैं, और ये मुख्यतः आपका विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जनरली रक्त का थक्का जो है यानी ब्लड क्लॉटिंग, ये देरी से होती है, ये विटामिन कमी विटामिन के की कमी से होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी कहां पर किस फल में पाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स आंवला सबसे बड़ा सूत्र है विटामिन सी का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और आपको बताया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, रासायनिक नाम केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से मैंने बताया स्कर्वी रोग।
विटामिन के का जो रासायनिक नाम है यह नेफ्थक्विनोन, तो ये आपका नेफ्थक्विनोन ये विटामिन के का रासायनिक नाम आंसर होगा डी। दसवां सवाल आते हैं, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन। अगले सवाल में बढ़ते हैं, तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल कि तमाम तत्वों में कौन से हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। अगला सवाल आता है, चाय में कौन सा पदार्थ मिलता है? तो चाय में आपका होता है टैनिक अम्ल, ये दैनिक लिखा हुआ है टैनिक है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल आता है, जो सॉरी चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है कैफीन। चाय में जो डी स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 212 पर, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है कैफीन। 213 पर आते हैं, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में अम्ल होता है टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल होता है, या टैनिक लिखा हुआ है, ये टैनिक इसको कंसीडर करिएगा, टैनिक एसिड पाया जाता है चाय में। तो चाय में पदार्थ होता है कैफीन और जो एसिड होता है दैट इज टैनिक। अगला सवाल है 214वां, जो गैसी शीतल पेय बोतलें होती है उनमें कौन सी गैस होती है? जितने भी आप बेवरेजेस लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, इनमें होती कार्बन डाइऑक्साइड। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरुआत की गई? ये हुई है सन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको शुरू किया हुआ था हेल्थ मिशन प्रोग्राम को, चाहे वो रूरल हेल्थ मिशन हो चाहे वो अर्बन हेल्थ मिशन हो। 216 नंबर सवाल है, पोलियो का वायरस किस माध्यम से शरीर में पहुंचता है? जब भोजन और पानी दूषित ग्रहित किया जाता है तो पोलियो का वायरस पहुंचता है। अगला सवाल आता है 217वां, यूरेनियम खानों में किस रोग के होने की संभावना होती है? जो लोग यूरेनियम खानों में काम करते हैं वहां पर कैंसर होने की संभावना रहती है, रेडिएशन ज्यादा होता है आसपास के एरियाज में, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सीमेंट के कारखानों में काम करने वाली व्यक्ति को कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो उसको होती ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। 219वां सवाल है, रक्त के थक्के से रुधिर वाहिनी में जो रुकावट आती है उसको हम आपका टेक्निकली किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका थ्रोम्बोसिस के नाम से इसको जाना जाता है, थ्रोम्बोसिस। ये जब ब्लड क्लॉटिंग आपका रुकती है ब्लड वेसल्स में, उसको हम थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। 220वां सवाल है, वायु प्रदूषण से किस रोग के होने की संभावना रहेगी? तो ये दमा के होने की संभावना रहती है, दमा से व्यक्ति को सांस वगैरह लेने में आपका समस्या आती है। 221वां सवाल है, पानी में अगर फ्लोराइड बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस नामक रोग होता है फ्लोराइड की अधिकता से। 222वां सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, जिसको आप ब्लड शुगर भी कहते हो, ये होता है। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गॉइटर है या घेंगा रोग भी आप इसको कहते हो। अगला सवाल, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह भारत में मनाया जाता है हर साल अक्टूबर माह में, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। सामान्यतः व्यक्ति को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती? तो आपको न्यूनतम 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत में जो प्रति व्यक्ति आय या जो जीवन रेखा का निर्धारण किया गया है गरीबी रेखा का, उसमें भी कैलोरी को पैरामीटर माना गया। तो भारत में एक ऐसा व्यक्ति जो कि रोजाना अपनी 2250 कैलोरी की जरूरतों को पूरा कर सकता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो शहरी क्षेत्रों में चूंकि लोगों को कम काम करना पड़ता है, पैरामीटर 2100 कैलोरी पर डे का, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, पैमाना है 2400 कैलोरी, और 2100 और 2400 का डी स्टूडेंट्स अगर आप एवरेज निकालोगे तो आता है 2250, लेकिन नॉर्मली मिनिमम कितनी कैलोरी चाहिए आपको? 300 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में ऑलमोस्ट 4 कैलोरी के आसपास होता है, तो यहां पर जवाब आपका होगा 4.1 कैलोरी। प्रोटीन के बाद बात आती है वसा यानी फैट की, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है? तो ये अप्रोक्सीमेट 9 के आसपास होती है, यहां पर जवाब हो जाएगा 9.3 कैलोरी। अगले सवाल पर आते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? तो वही 4 के आसपास होती है, जवाब हो जाएगा 4.1। तो डियर स्टूडेंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन, दोनों में लगभग 4 कैलोरी के आसपास मिलता है, जबकि 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें कैलोरी 9 कैलोरी के आसपास मिलती है। इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट और
जो प्रोटीन है इसको डबल खा सकते हैं, किससे, फैट के कंपैरेटिवली। तो आप वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को 2 गुना ले सकते हैं। अगला आता है वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये सवाल है 229वां। ये वर्मी कंपोस्ट कीड़ों के द्वारा तैयार किया जाता है, कीड़ों के द्वारा ये जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया है, हमारे तक केचुओं के द्वारा होता है। अब कुछ सवाल आते हैं जो इंपॉर्टेंट डेज अलग अलग डेट्स पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला सवाल है विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, अर्थ डे भी कहते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मई को। धूम्रपान व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है हर साल 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को। आपको सबको ये पता होगा, लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस या विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, तो जवाब दीजिएगा 28। आगे आते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं यहां पर 11 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, हिरोशिमा नागासाकी जापान के जो शहर जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में परमाणु बम गिराया गया, एकमात्र ऐसा दुर्घटना या एकमात्र ऐसा इंसिडेंट जिसमें मानव ने परमाणु बम का उपयोग किया हुआ, लाखों लोग मारे गए, और ये दुर्घटनाएं ये घटनाएं हुई 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर बम गिराया गया 6 अगस्त को, जबकि नागासाकी पर गिराया गया है 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 नागासाकी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, आप सबको पता है डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, हर साल हम लोग 9 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट होता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, हर साल ये 10 दिसंबर को, अभी कुछ दिन पहले निकला विश्व मानवाधिकार दिवस, हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है 14 दिसंबर को। भारत में वन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, अक्टूबर मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में। पर्यावरणीय माह भारत में कब से कब तक होता है, ये शुरू होता है भारत में नवंबर से दिसंबर तक, 19 नवंबर से शुरू होता है और दिसंबर में 18 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो ये डी स्टूडेंट्स कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट डेज, इनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हुआ है या कहां पर खोला गया, ये था उत्तराखंड का जिम कार्बेट, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और जो कि फेमस है किसके लिए, टाइगर्स के लिए। काजीरंगा कहां पर है, असम में है। ऑलरेडी आपको ये सबसे पहले वीडियो में आपको इस लेक्चर का सबसे पहला जो पार्ट था उसमें आपको इन सब की लिस्टिंग बताई जा चुकी है। गिरी के बारे में पूछा जा रहा है, गिरी है गुजरात में, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बायो रिजर्व पार्क है वो कहां पर खोला गया था, ये अमेरिका में जगह येलोस्टोन, येलोस्टोन प्रांत है वहां पर खोला गया था। मानस वन्य अभयारण्य कहां पर है, असम में है। अगला सवाल आता है दक्षिण भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों का सबसे बड़ा आवास स्थल है, तो कर्नाटक में जगह है बांदीपुर, ये हाथियों का सबसे बड़ा आवास स्थल है। देश में सबसे ज्यादा वन्य अभयारण्य कहां पर किस जगह पर है, तो अंडमान और निकोबार में है। भिंडी में क्या क्या पाया जाता है, भिंडी यानी लेडी फिंगर, इसमें फॉस्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी तीनों पाए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा डी यानी उपरोक्त सभी। 259 नंबर सवाल आता है केवला देव घाना पक्षी विहार कहां पर, ये राजस्थान में, जगह है भरतपुर। सरिस्का कहां पर है, ये भी राजस्थान में है और जगह है आपका अलवर। दुधुआ नेशनल पार्क कहां पर, ये उत्तर प्रदेश में, जगह है लखीमपुर खीरी। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, ये कर्नाटक यानी मैसूर में है। भारत में किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, पाली में आपको हाथ पता होना चाहिए, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया हुआ। और
प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों संबंधित प्रोजेक्ट उनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया भारत में 1991 में। अगले सवाल पर 266 पर आते, भारत में टाइगर्स को सेव करने के लिए जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में योजना शुरू हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1973 को शुरू। भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र था, मैंने बताया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जूनागढ़ के पास में शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कहां पर है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है नैनीताल के पास में। अगला सवाल, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये बस्तर में यानी छत्तीसगढ़ के पास में छत्तीसगढ़ में है। पेरियार ये केरला में है, जगह है कोटायम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब प्रारंभ हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों को आपका संरक्षित करने के लिए एक्ट बना, देश की संसद ने इसको पारित किया और ये आया 1972 में। भारत पहला ऐसा दुनिया का देश है जिसने आपका इस तरीके का कोई कानून बनाया पर्यावरण संबंधित। वन संरक्षण अधिनियम का प्रारंभ कब से हुआ, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। लाल आंकड़े जिसको आप रेड डेटा बुक कहते हो, ये जो पुस्तक है ये किस चीज को सूचीबद्ध करती है, तो आपको पता है ऐसे जीव जंतु जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर, जिनको हम संकटग्रस्त जंतु कहते हैं, तो संकटग्रस्त जो जीव जंतु है इनका आपका ये सर्वे करती है। तो 274 का जवाब हो जाएगा सी। और जो रेड डेटा बुक है जिसको 10CN कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल आता है, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई, सबसे पहली बार विश्व में पर्यावरण के ऊपर जो चिंता जताई गई उसके ऊपर जो एक सहमति बनी पर्यावरण को बचाने की, प्रदूषण को रोकने की, ये हुई है स्टॉकहोम में। और इसी वजह से इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, यानी जिसमें बहुत ढेर सारी चीजें आगे इससे निकल के आई हुई है। इसी तरीके से मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ सहमति बनी हुई थी, इनको लेके आगे बढ़ा गया। ब्राजील की ब्राजील में हुआ रियो शिखर सम्मेलन, और ये पूछा जा रहा कब किया गया है, तो ब्राजील में होने वाला रियो शिखर सम्मेलन हुआ है आपका 1987, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने की पहल की गई थी सबसे पहली बार। विश्व पर्यावरण रक्षा के लिए जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ किस देश में हुआ, ऑलरेडी आपको जवाब बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स, रियो हुआ है ब्राजील में। और इसके बाद आता है क्योटो शिखर वार्ता 1997 में कहां पर हुई, जापान में शहर है क्योटो। 1997 में जापान के क्योटो नामक जगह पर आपका सभी देश आए एक साथ और उन्होंने विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो प्रदूषण के आपका बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल में करने के लिए सहमति बनी। जो सबसे अंतिम कोई अगर आपका शिखर वार्ता हुई है वो आपका पेरिस हुई है, पेरिस जलवायु संधि जो 2017 में हुई, भारत ने उसमें साइन किए हुए। और इसी वजह से पेरिस जलवायु संधि जो कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधि है, इस पे भारत ने साइन करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया हुआ। कार्बन उत्सर्जन गैसेस के मामले में भारत चौथे स्थान पर आता है, नंबर एक पर अमेरिका है, नंबर दो पर चाइना है, नंबर तीन पर यूरोपियन यूनियन है। पूरा यूरोप अगर एक साथ मिला लिया जाए तो यूरोपियन यूनियन आपका तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर भारत आता है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को अलग अलग कर दिया जाए, कंट्री वाइज कंट्री अलग कर दिया जाए, तो भारत का स्थान तीसरा हो जाता है। भारत ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और जिम्मेदारी को समझते हुए अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने की अब जो शिखर वार्ता पर पहले उन्होंने समझौता किया हुआ था, हस्ताक्षर किए हुए थे, वो इससे पीछे हट गए हुए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर 280। क्यूटो संधि कब आपका अस्तित्व में आई है, ये क्यूटो संधि जो जापान में है क्यूटो, ये आई है 2005 में अस्तित्व में। इसमें जो विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देश खासतौर भारत और चीन जैसे देश, इनको काफी छूट मिली। इनको तुरंत का तुरंत सिर्फ सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नीचे नहीं लाना था, इनको कुछ समय दिया गया। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया, एनवायरमेंट शब्द एनवायरो से बना हुआ, और एनवायरो शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है डियर स्टूडेंट्स, एनवायरो शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। जबकि अगर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की बात की जाए तो इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट शब्द एनवायरो से बना, ये फ्रेंच भाषा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। जबकि इकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है
इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द जिसके हम चारों तरफ रह रहे, इस शब्द को जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हैकल, उन्होंने परिभाषित किया, और उन्होंने ग्रीक भाषा से दो शब्द लिए थे, ओनको और लॉजी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है इकोलॉजी, जबकि एनवायरो शब्द लिया गया फ्रेंच भाषा से। 282 नंबर सवाल आता है, डावन मायर इन्होंने क्या बताया पर्यावरण का क्या शाब्दिक अर्थ है? इन्होंने बताया निकटवर्ती दशाओं से, जो आज के आसपास की कंडीशंस हैं उनका लेना देना है पर्यावरण से, तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है निकटवर्ती दशाओं से। प्राथमिक उपभोक्ता का इनमें उदाहरण कौन है? हिरण प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। सभी शाकाहारी जीव कैसे होते हैं? ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ? इसको लिखा हुआ चार्ल्स डार्विन ने। विश्व की सर्वाधिक शुद्ध पानी की झील, ये झील है डियर स्टूडेंट्स बैकाल झील, रशिया में, रूस में, साइबेरिया वाला इलाके में। और डियर स्टूडेंट्स ये इतनी बड़ी शुद्ध पानी की झील है कि पूरे विश्व में जो सतह पर उपस्थित शुद्ध पानी है, मीठा पानी है, उसका अकेले लगभग एक चौथाई अकेले यहीं पर है। 22% शुद्ध पानी की कुल मात्रा का यहीं पर पाया जाता है बैकाले झील में, और ये सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील भी है शुद्ध पानी की। सर्वाधिक लवणता कहां पर पाई जाती, कौन से झील में? तो बैकाल तो आपको मीठे पानी की झील है, वॉन झील है ये तुर्की में है, तुर्की में, और ये लवणता वाली सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल आता है 288, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जो मनुष्य इस्तेमाल करता है लकड़ी, वो आपका ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का आपको कारण पता है, इसका कारण आपका वायु प्रदूषण का है धुआं, जबकि जो कीटाणु होते हैं बैक्टीरियाज, ये जल प्रदूषण का कारण होते हैं, कीटाणुनाशक। फिलहाल धुआं वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में स्थित झील कौन सी है? सांभर झील है, ये राजस्थान में है, सबसे बड़ी आपका झील है भारत में खारे पानी के लिए। आगे आते स्थल मंडल, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? जो लिथोस्फीयर है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% है, यानी बचा हुआ 71%, दो तिहाई से ज्यादा भाग वो स्थल मंडल के बजाय जल मंडल कहलाता है। तो जल मंडल और स्थल मंडल डिवीजन अगर करेंगे तो जल मंडल है 71% जबकि स्थल मंडल है 29%। तो अगले सवाल पर आते हैं, प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है, जो रेल दुर्घटना है वो प्राकृतिक आपदा नहीं, भूकंप और बाढ़ प्योर तरीके से प्राकृतिक आपदा है, जबकि अग्निकांड जैसे जंगलों में आग लगना, वनों में आग लगना, ये भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन रेल दुर्घटना निश्चित तौर पर प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप की तीव्रता को किस पर नापते हैं? रिचर स्केल या रिक्टर स्केल पर नापते हैं। अगला 295वां नंबर सवाल है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? यह है आयोडीन का स्रोत। पर्यावरण में सम्मिलित है, पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों सम्मिलित हैं। लाल पांडा कैसी प्रजाति है? ये खतरे में एक प्रजाति, अभी विलुप्त नहीं हुई, विलुप्त प्रायः है, अभी कुछ पाई जा रही है म्यांमार वगैरह के साइड में आपको मिल रहा है, तो खतरे में प्रजाति है, और इसी वजह से ये इसको आपका IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके आपका रेड डेटा बुक ने इसको ले रखा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 48 का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। विश्व में सबसे पहला पर्यावरण संबंधी कानून बनाने वाला देश, ये भी हमारा देश भारत है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर है? ये केरला यानी तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर में है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र यहाँ पर कहां पर है? कोयम्बटूर में। आइए डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से, ये आपका वीडियो लेक्चर पार्ट फोर्थ है, इसके पहले के तीन पार्ट ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं, अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो धुआं, ये तो वायु प्रदूषण का कारण है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, वायुयान, ये सभी वायु प्रदूषण के कारक हैं, जबकि कीटाणुनाशक जिसको आप पेस्टिसाइड्स कहते हो या इंसेक्टिसाइड्स कहते हो, तो ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यानी खाद वगैरह, ये सभी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जब कीटाणुनाशकों का प्रयोग आप फसलों में करते हैं और जब बारिश या सिंचाई के उपरांत
जो ये पानी के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, तो उससे जल प्रदूषित होता है। जल की भौतिक रासायनिक अगर अवस्था में परिवर्तन आता है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 and 2 पर, डेंगू रोग का वाहक कौन है? अभी बहुत ज़्यादा ये बीमारी इस समय फैली रही है पिछले कुछ समय से। डेंगू रोग का वाहक मच्छर इनमें से एडीज मच्छर है, जबकि जो सी ऑप्शन मादा एनोफिलीज ये मलेरिया का वाहक है और डेंगू का जो है वो एडीज मच्छर है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। 3 and 3 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? कुछ ऐसी गैसें जो कि मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में एक निश्चित ऊंचाई पर जाके उन्होंने एक घेरा बना लिया, एक आवरण बना लिया, जिससे सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो आ तो जा रहा है लेकिन वो वापस जा नहीं पा रहा है, और ऐसे में जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान बढ़ रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसेज, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक है। बाकी कौन सी गैसेज है मैं भी आपको बताता हूँ। ये आपके सामने है ग्रीन हाउस गैसेज जो मेन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादातर आपका जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलती है। मीथेन अगली है आपका, जो कि चावलों के खेत वगैरह से, पशुओं की जुगाली से निकलती। नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके कि मुख्य स्रोत एयर कंडीशनर और फ्रिज है, उसके अलावा जो आप डीओ परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब आप कोयले को अधूरी तरीके से जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और उसके अलावा जल वाष्प। तो आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 6 गैसेज और हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 6 गैसेस प्लस जल वाष्प, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक टेबल है डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप जरूर पॉज करके देख लीजिएगा। इससे काफी कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी कि किसी ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से वो निकलती हैं, कहाँ उनका ह्रास होता है, यानी वो कैसे आपका किस तरीके से कम होती हैं, और जलवायु हेतु उनका क्या महत्व है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 304, ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? ऑलरेडी पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, ओजोन मंडल हमारे समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल की निचली सतह में। इकोलॉजी शब्द ये भी पहले से आपको डिस्कस कर चुका, बता चुका, इकोलॉजी शब्द बना हुआ ग्रीक भाषा का। तो अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल है हमारे पास सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका गठन कब किया गया? जवाब है 1975 में। अगले सवाल पर आते हैं 307, इनमें से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है? तो डियर स्टूडेंट्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ये सभी कार्बनिक प्रदूषक हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 308 पर, बायोगैस में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो बायोगैस में निकलने वाली सबसे ज्यादा गैस होती है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 309 है, फ्लोरोरिसिस बीमारी, ये फ्लोरोरिसिस बीमारी है और इसका प्रमुख जो आपका कारण है वो है जल प्रदूषण। तो फ्लोरोरिसिस बीमारी जल प्रदूषण की वजह से होती है। अगला सवाल है 310वां, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना डी स्टूडेंट्स हुई है 1952 में। जो जंगली जानवर हैं, जंगली पशु, जंगली और जंगल, इनको बचाने के लिए इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई। पारितंत्र के संबंधों का सबसे सही बताने वाला पिरामिड कौन होता है? पारितंत्र में अलग अलग पोषक स्तर पर अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं और इनके बीच में सबसे अच्छे तरीके से संबंध बताता है ऊर्जा का पिरामिड, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। आगे आता है, किस वृक्ष से जैविक डीजल तैयार किया जा रहा है? तो वर्तमान में जेट्रोफा नामक वृक्ष से जैविक डीजल तैयार किया जा रहा है। सही जवाब होगा जेट्रोफा। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत ये किसने दिया हुआ है? तो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत ये दिया हुआ ह्यूगो ड्रिवीज ने। इसको हम आपका कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी ये इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि जो एवोल्यूशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, ये एक जल्दी प्रोसेस रहा हुआ है। तो कुल मिला के आपका विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया हुआ ह्यूगो ड्रिवीज ने। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब घोषित किया? ये उसने घोषित किया 1972 में। अगला सवाल आता है, भारत का संकटग्रस्त पादप जाति इनमें से कौन सा है? कौन सा पौधा ऐसा जो संकटग्रस्त है? तो चंदन डियर स्टूडेंट संकटग्रस्त है, आप ऑलरेडी समझ सकते हो इसकी महत्ता। इसकी महत्ता की वजह से इसकी बहुत बेशकीमती
कीमतों की वजह से ये आपका संकटग्रस्त है। भारत की किस भूकंप पेटी में हिमालय क्षेत्र स्थित? हिमालय सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र है, जहां पर भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, और इस वजह से आपका ये हमारे जोन प्रथम में आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस जो कि लगातार बढ़ती जा रही है उनके उत्सर्जन को रोकना, ये क्योटो का प्रमुख उद्देश्य था। जैसा कि बताया था, क्योटो ये आपका संधि 1997 में हुई थी, जापान में है क्योटो, और 2005 से इसके प्राविधान लागू हुए थे जो कि 2020 तक। तो वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल इसकी जगह ले रहा है आपका पेरिस जलवायु संधि। आगे आता है सवाल अगला, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका मुख्यालय डी स्टूडेंट्स है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र के बहुत ही कम ऐसे संगठन हैं जिनके मुख्यालय किसी भी विकासशील देश में या पिछड़े हुए देशों में, उनमें से एक है यूएनईपी, और यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ये एक अफ्रीकी महाद्वीप में आने वाला देश है केन्या, और उसकी राजधानी है नैरोबी। ओजोन छिद्र का प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है, और मौसम परिवर्तन भी होता है। ये सभी चीजें जो है ओजोन परत में छिद्र की वजह से संभव है। तो इस वजह से यहाँ पर सही जवाब डियर स्टूडेंट्स होना चाहिए, डी यानी उपरोक्त सभी। और ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का लेना देना ओजोन क्षेत्र से नहीं है। ओजोन क्षेत्र एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक अलग कॉन्सेप्ट, दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगला सवाल 320वां है, राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान कब चलाया गया? ये चलाया गया था 1986 में। श्वेत फेफड़ा कैंसर, जिसको आप व्हाइट लंग कैंसर कहते हो, ये किससे फैलता है, किस तरीके की इंडस्ट्रीज से फैलता है? तो जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कपड़ा बनाने वाले, आपका सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग जैसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको व्हाइट लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। तो जवाब हो जाएगा टेक्सटाइल। अगला सवाल है, भारत को कितने वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को कुल 9 अलग अलग वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया हुआ है। अगला सवाल है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ है डियर स्टूडेंट्स स्टॉकहोम में, और स्टॉकहोम आपको पता होना चाहिए स्वीडन की राजधानी है। खरगोश किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो आपको पता है खरगोश क्या खाता है, घास तिनके, और इस वजह से शाकाहारी हुआ। नेक्स्ट सवाल 325वां आता, सर्वभक्षी इनमें से कौन सा है? तो मानव एग्जाम्पल है सर्वभक्षी का। 326वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहां पर स्थित हुआ? तो देश हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला बायोटेक पार्क बनाया गया। 327 नंबर सवाल है, क्षोभ मंडल का विभाजन कहां से कहां तक? अब बताया आपको ऑलरेडी, इसको हम पहले आपका पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगा हुआ मंडल है, और इसकी ऊंचाई 8 से 12 किलोमीटर तक रहती है। तो फिलहाल यहां जवाब होगा ए, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर, जो भूमध्य रेखा वहां से 12 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक रहती है। केचुए से कौन सी खाद तैयार की जाती है? वर्मी कंपोजिट्स जो होते हैं यानी जैविक खाद, इनको हम आपका इनकी मदद से तैयार करते हैं। तो जवाब हो जाएगा जैविक खाद। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, जिसको आप ब्लैक होल कॉन्सेप्ट कहते हो, इसको प्रतिपादित किया हुआ था हमारे नोबेल विजेता डॉक्टर सीवी रमन ने। तो सीवी रमन ने आपका सबसे पहले कृष्ण कणिका छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, और इसकी वजह से इनको आपका नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला सवाल आता 330वां, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी केंद्र, जो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सेंटर है, ये कहाँ पर है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर है आपका महाराष्ट्र में, और जगह है नागपुर। अगला सवाल आता 331वां, भारत में वैकल्पिक ऊर्जा का प्रचुर स्रोत कौन सा है? अल्टरनेटिव एनर्जी का जो सोर्स है भारत में वो सोलर एनर्जी है, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी इस समय आपका काफी ज्यादा आपका प्रयास अपने तरफ से कर रही हैं, वो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो वर्तमान में भारत का भविष्य माना जा रहा सौर ऊर्जा, और इस तरीके से भारत में वैकल्पिक ऊर्जा का प्रचुर स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। 332वां सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट माना जा रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना जा रहा है इस वृक्ष की वजह से। तमाम ऐसे एरियाज में भूगर्भ जल स्तर बहुत तेजी से नीचे गिर गया हुआ है। इसके अलावा एक जंगली बबूल भी होता है जो भी बहुत तेजी से फैलता है, ये भी पर्यावरणीय संकट है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन है तो हमारा जवाब यूकेलिप्टस होगा। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण विद कौन से हैं? इनमें
पर्यावरण विधि आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसके मुख्य प्रवर्तक रहे और इस वजह से इनमें से जवाब होना चाहिए ए। इनमें से कौन सा जल संरक्षण विद है, और जल संरक्षण विधि इनमें से है सुनीता नारायण, ये जल संरक्षण विधि है। उसके अलावा डी स्टूडेंट्स याद रखना है आपका वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अम्लीय वर्षा बनाने वाली वायुमंडलीय गैसेस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी आंसर हो जाएगा ए। ये अम्लीय वर्षा के लिए आपका मुख्यतः जिम्मेदार गैसेस, खासतौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये मुख्यतः आपका ऐसी गैसेस हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इनसे नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और इसके अलावा जो H2SO4 है, ऐसे आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे अम्ल बेसिकली बारिश के साथ जो है नीचे पृथ्वी पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं 336, भारत में मैनग्रोव वनस्पति कौन सी जगह पाई जाती, तो मैनग्रोव पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषण स्तर संबंधित कौन है, द्वितीय पोषण स्तर यानी जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता होगा वो है टिड्डा, तो टिड्डा छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, इसका मतलब आपका हो गया ये द्वितीय पोषण स्तर संबंधित हुआ। आगे आते हैं 338वां सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल जो कि आपका अफ्रीकी महाद्वीप में कई देशों में फैला हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 339वां सवाल है, भारत में चक्रवात किस बेसिन से उत्पन्न होते हैं, तो चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं वो उत्तरी भारतीय बेसिन से ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबूल और करील कहां पर किस तरीके के पारितंत्र में पाए जाते हैं, तो बबूल और करील ये दोनों मरुस्थल पारितंत्र में पाए जाते हैं जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ओजोन परत के क्षरण का कारक कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कि मुख्य स्रोत होते हैं एसी, रेफ्रिजरेटर, जिनसे की मुख्यता निकलती, ये ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में यानी वेस्टेज के रूप में क्या निकलता है, तो इससे जो अब वेस्टेज के रूप में निकलता है वो निकलता है सल्फर। वन संरक्षण संबंधित चिपको आंदोलन कहां पर चलाया गया, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया, ऑलरेडी आपको बताया चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, और जो जगह है उत्तराखंड में वो थी गढ़वाल, तो जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल आता है, नीली क्रांति का संबंध आप सबको पता होगा मछली उत्पादन से है। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले के वीडियोस में, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनके नाम पर बोरलॉग पुरस्कार भी दिया था कृषि के क्षेत्र में, मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे, इनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक। और भारत में एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, उसका जनक माना जाता है। अगला सवाल आता है, इनमें से किस पदार्थ पर सागर में मछलियां जीवित रहती, मछलियों को खाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है या जो खाती हैं वो पानी में, वो कहलाता है प्लैंकटन, तो प्लैंकटन की आवश्यकता पड़ती है उन मछलियों को। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, हवा में ध्वनि तरंगे डियर स्टूडेंट्स अनुदैर्ध्य होती है यानी लॉन्गिट्यूडनल, आपको पता होना चाहिए अनुप्रस्थ को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स और अनुदैर्ध्य को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इनमें अंतर आपका होता है तरंग की गति की दिशा में, जो माध्यम के कण है उनके कंपन करने की दिशा में, तरंग की गति की दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स में वर्टिकल यानी लंबवत होती है, जबकि अनुदैर्ध्य में कैसी होती है, क्षैतिज होती है। अगले सवाल पर मुख करते 349 नंबर, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो जो आर्द्र हवा होती है यानी ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है, अगर टेम्परेचर भी ज्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा, तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि किस मौसम में ध्वनि सबसे ज्यादा दूर तक सुनाई देगी, अगर ट्रेन एक सीटी बजाती है तो ट्रेन का जो आपका सीटी है, आवाज है, वो किस मौसम में सबसे ज्यादा दूर तक सुनाई देगा, तो डियर स्टूडेंट्स जब आर्द्रता सबसे ज्यादा होगी या कह लीजिए जब बारिश का मौसम होगा तो सबसे ज्यादा दूर तक ही सुनाई देगी। 350वां सवाल है, किस प्रदेश में फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड में, आइए इसके दर्शन कर लेते हैं। ये आपका वैली ऑफ फ्लावर्स
जिसमें कि आपका जून से अक्टूबर माह के मंथ में अपने आप ढेर सारे हजारों वेराइटीज के फूल उगाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये वैलिया फ्लावर्स है। अगले सवाल पर आते हैं, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक गैस का रिसाव, मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, उस यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी भोपाल में ऑपरेट करती थी, और उसी कंपनी में एक रात्र जो कि 1984 में आपका 1984 में पर्टिकुलर मिथाइल आइसोसाइनाइड के ये चैम्बर फटने से हजारों की संख्या में लोग मारे गए हुए थे, इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता। ईयर याद रखिएगा 1984, और जो कंपनी थी वो थी आपका यूनियन कार्बाइड। 352 नंबर सवाल है, ध्वनि की चाल अधिकतम कब होगी? तो आप इनमें से जितने भी माध्यम है उनमें इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। 353 नंबर सवाल है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या है, सुनी जा सकती क्या? नहीं, पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, इनको सुना नहीं जा सकता। इनका उपयोग किसमें होता है? जब भी हमें कोई सिग्नल्स भेजने होते हैं यानी संकेत, या हमें गहराई में कोई चीज नापनी होती, तो पराश्रव्य तरंगों का हम उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 355 है, कोयले की खानों में जब विस्फोट होता है तो उसके लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? ये है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 356, थार किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है? आपको पता है थार भारत का राजस्थान में पाया जाने वाला एक मरुस्थल है, और जब अगर ये मरुस्थल है तो आपको यहां पर जवाब क्लियर हो जाएगा कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाएगा। 357 नंबर सवाल पर आते, अम्ली वर्षा के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है? आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, SO2 और NO2 दोनों ही जिम्मेदार हैं। 358 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मिनी माटा रोग किस देश में हुआ था? तो मिनी माटा रोग डियर स्टूडेंट्स हुआ है जापान में। इसके बारे में आपको हिस्ट्री बताता हूं, थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जापान में मिनी माटा एक जगह है या मिनी माटा लेक झील है, उसके किनारे एक इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्रीज अपने वेस्टेज यानी जो उसका प्रदूषक हुआ करता था उसको बहा देती थी, और वो जाके उस झील में मिलता था। तो झील का पानी धीरे धीरे आपका प्रदूषित होने लगा, और जो उसके वेस्टेज में ज्यादा मात्रा थी वो मरकरी की थी, वो मरकरी आपका पानी में मिलता रहा, उसको किसी तरीके से बैक्टीरिया ने चेंज किया और उसको मछलियों ने खाया। मछलियों के खाने की वजह से हुआ क्या, उन मछलियों का जब उपयोग वहां के लोकल लोगों ने किया तो उनको इस रोग को बेसिकली झेलना पड़ा। तो मिनी माटा रोग जापान में हुआ, मिनी माटा लेक है वहां पर, मुख्यतः उसके पीछे जिम्मेदार था औद्योगिक कचरा, और वो कचरा जब जाके लेक में मिला तो मछलियों के वजह से, मछलियों के कारण इस तरीके का रोग फैला। तो अगले कुछ सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे, किस देश ने सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? तो परमाणु विस्फोट तो सबसे पहले अमेरिका ने किया था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे पहले फ्रांस ने स्थापित किया था, और वर्तमान में फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 90% परमाणु ऊर्जा से उत्पादित करता है। 360 नंबर गैस है NO3, क्या है? आपने ऑलरेडी लाफिंग गैस के बारे में पढ़ा हुआ, एक हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैसेस का उपनाम है। मिनी माटा व्याधि इनमें से किस तत्व के अधिकतम होने के कारण हुई? आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मरकरी के कारण हुई थी। मिनी माटा रोग कैसे फैला, आपको ये भी बताया मैंने, मछलियों के सेवन से हुआ, तो जवाब इसका मछली हो जाएगा। तापी विद्युत संयंत्र से मुख्यतः क्या अपशिष्ट निकलता है? तो जो तापी विद्युत संयंत्र होते हैं इनसे अपशिष्ट के रूप में जो निकलता है वो फ्लाई ऐश, जो कि एक तरीके की आपका राख होती है, वो चिमनी से निकलती है। वैज्ञानिक रॉबर्ट एंगस ने किसका सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो जो एसिड रेन है उसका सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने रॉबर्ट एंगस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर्नोबिल दुर्घटना का कारण क्या था, और चेर्नोबिल दुर्घटना के कारण क्या हुआ था? चेर्नोबिल दुर्घटना एक परमाणु या नाभिकीय दुर्घटना थी जो कि तत्कालीन रूस और वर्तमान में यूक्रेन में 1986 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, चेर्नोबिल वर्तमान में यूक्रेन नामक देश में, एक छोटा सा यूरोपीय देश है, और यूक्रेन पहले पार्ट हुआ करता था रूस का। ये घटना हुई है 1986 में, दुनिया की जो भीषणतम नाभिकीय दुर्घटनाएं उनमें से एक। उसके अलावा डी स्टूडेंट्स दो तीन और आपको याद रखना है, जैसे कि अमेरिका में आपका होने वाली नाभिकीय दुर्घटना है थ्री माइल, थ्री माइल एक जगह है अमेरिका में, तो थ्री माइल
नाभिकीय दुर्घटना का संबंध अमेरिका से है, जबकि जापान में आपका फुकुशिमा जो नाभिकीय दुर्घटना है उसका संबंध कहां से है? फुकुशिमा नाभिकीय दुर्घटना का संबंध जापान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 366 पेट्रोल जलने से कौन सी विषैली गैस उत्सर्जित होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पेट्रोल जलने से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 50% उत्सर्जन, जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसका 50% अकेले वाहनों से उत्सर्जित होता है। 367 है, किसी भी उद्योग में चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ। तो लंग्स ऑफ अर्थ हम लोग कहते हैं अमेजॉन के वनों को, और यहां पर जो अमेजॉन है ये अफ्रीका महाद्वीप में, सॉरी साउथ अमेरिका में पाया जाता है, यानी ब्राजील जैसे देश आपका ये अमेजॉन के किनारे हैं, और इस वजह से ये भूमध्य रेखीय देश होता है, और भूमध्य रेखीय देश है तो यहां पर हम आपका जवाब देंगे भूमध्य रेखीय, और ये जंगल है आपका अमेजॉन के जंगल। आपको मैं यहां पर और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपको मैं पिक भी दिखाता हूं, ये अमेजॉन के जंगल है, बीच से बहने वाली नदी है अमेजॉन नदी। ये अकेले दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन उत्पादित होती है उसका अकेले 20% यानी 1/5 हिस्सा सिर्फ अकेले अमेजॉन के जंगल ही उत्पादित करते हैं। इतने घने यहाँ पर जंगल हैं कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता है। बहुत ढेर सारे नाना प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन आजकल इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा। वर्तमान में अमेजॉन के जंगल सुर्खियां बटोर रहे हैं आग की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेजॉन के जंगलों में भीषणतम आग की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से लंग्स ऑफ कैंसर वर्तमान में खतरे में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य के शरीर की जैव प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यकृत यानी लीवर को मनुष्य के शरीर की जैव प्रयोगशाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद में किस पौधे को पर्यावरण प्रदूषक का सूचक कहा गया? यानी किस पौधे से हमें पता चल जाता है कि प्रदूषण है या नहीं है? तो डियर स्टूडेंट, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कलर में चेंज आने से हमें पता चलता है कि किसी आपका क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कैसा है। 371 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो 1/3 क्षेत्र नहीं, 33% में कम से कम वन होने चाहिए। इलेक्ट्रोडायलिसिस द्वारा किस प्रदूषण को दूर किया जाता है? तो जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसको हम लोग दूर करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? ये डियर स्टूडेंट्स है टाइगर यानी चीता। 50 से करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से दौड़ सकता है। जी हाँ, 50-65 किलोमीटर पर आवर, और ये है पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव। केंद्रीय मरुस्थल संस्था ये कहां पर? तो केंद्रीय मरुस्थल संस्था हमारी है राजस्थान जोधपुर में, जवाब है इसका जोधपुर। सवाना घास के मैदान कहां पर? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होने चाहिए कौन से घास के मैदान कहां पर किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है। मैं आपको सबको इस पर एक नटशेल में बताता हूं, एक वर्ल्ड मैप के जरिए आप देखिएगा। यहां पर ये वर्ल्ड मैप जिसमें आपका आप बाईं ओर देख रहे हैं सबसे ऊपर प्रेरीज हैं, सबसे ऊपर बाईं ओर ये है आपका उत्तरी अमेरिका और नीचे है दक्षिणी अमेरिका। ऊपर है प्रेरीज, नीचे है पंपास, यानी उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान है पंपास। आते हैं आपका इधर स्टेपीज, ये यूरोप और एशिया के मैदानों में मिलते हैं, इसी वजह से हम लोग स्टेपीज को कहते हैं। ये यूरोप में या एशिया के मैदानों में पाए जाते हैं, तो इसको यूरेशिया भी आप कह सकते हो। जब नीचे आते हो अफ्रीका महाद्वीप में देख रहे हो आपको ईल्ड मिल रहे हैं, जबकि जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हो बिल्कुल राइट में नीचे तो आपको यहाँ पर डाउन्स मिलते हैं। तो इस तरीके से डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, स्टेपीज यूरेशिया या यूरोप में कह सकते हो, ईल्ड आपके अफ्रीका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, जबकि प्रेरीज कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। 376 नंबर सवाल है, शीशा क्या है? एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका सूत्र क्या है? पेट्रोल जो वाहन है ये पहले पेट्रोल शीशा वाला इस्तेमाल किया करते थे, वर्तमान में इस पर रोक लग चुकी है, लेकिन शीशा जो मुख्य वायु प्रदूषक है इसका सूत्र आपका कौन हुआ करता था? पेट्रोल वाहन। अगला सवाल आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, सीएफसी का प्रमुख सूत्र क्या है? तो जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स या कह लीजिए एसी जो पुराने हुआ करते थे, ये सीएफसी का प्रमुख सूत्र है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
जिस गैस से जीवदारी का दम घुटने से मर जाने की संभावना रहती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से दम घुटने के कारण मरने की संभावना रहती है। 379 किसे सागरी मरुस्थल कहा जाता है, तो सागरी मरुस्थल हम लोग सागर को कहते हैं। ये ऐसे आपका मरुस्थल होते हैं जहां पर ऑक्सीजन बेसिकली बहुत कम हो जाती है, मतलब समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह जो कि ऑक्सीजन स्टार्विंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380, वृक्ष की आयु वृक्षों में कैसे निर्धारित करते हैं, तो जो वले बनते हैं वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। 381 नंबर सवाल है, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है, तो बेंजीन मुख्यतः रक्त कैंसर के लिए जिम्मेदार रसायन है। 24D ये क्या है, ये एक खरपतवार नाशी है जो कि फसलों में खरपतवार जो उगाते हैं उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला एक पेस्टिसाइड है, तो 24D एक खरपतवार नाशी है। भविष्य का ईंधन कौन है, भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं, तमाम प्रयोग किए जा रहे हैं हाइड्रोजन को लेकर और इसको आपका फ्यूचर फ्यूल माना जा रहा है। किस देश में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित होता है, तो कनाडा, इसमें सबसे ज्यादा अखबार का जो पेपर है ये उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपिको आंदोलन ये वन वृक्षों को काटने से रोकने के लिए किस जगह से शुरू हुआ। अपिको भारत में मुख्यतः दक्षिण भारत में और कर्नाटक में चलाया गया, लेकिन इसका प्रभाव के लिए कर्नाटक में ही नहीं, कर्नाटक साथ साथ केरल और तमिलनाडु में भी नजर आता है। पांडुरंगा हेगड़े के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया, मुख्यतः इसकी प्रेरणा उत्तर भारत में जो खासतौर पर उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का आंदोलन था चिपको, उससे लिया गया। लेकिन यहां पर इसकी शुरुआत जो आपका जो हुई है वो नागपुर से हुई, तो डियर स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में नागपुर नामक जगह से, नागपुर वाले स्थान से इसकी शुरुआत हुई फिलहाल, लेकिन प्रभाव इसका जो रहा वो कर्नाटक में मुख्यतः रहा, कर्नाटक साथ साथ केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ, ये मॉन्ट्रियल में हुआ, मॉन्ट्रियल में जून 1987, ये तो कनाडा में मॉन्ट्रियल, और यहां पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट सवाल आता है, रासायनिक उद्योगों का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो चाहे बात औद्योगिक क्रांति की हो या रासायनिक उद्योगों के जन्मदाता देश की, दोनों में नाम आएगा ग्रेट ब्रिटेन का, ब्रिटेन ही आपका औद्योगिक क्रांति का भी जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 388, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर है, ये भारत में है बैंगलोर में, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। पृथ्वी की आयु का मापन किसी विधि द्वारा करते, तो पृथ्वी की आयु का नापने का तरीका रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग यहां पर आप उसके लिए यूज करते यूरेनियम को, तो यहां जवाब आप दे सकते हो यूरेनियम विधि। 390 नंबर सवाल है, कौन सा जैव मंडल जंगली गधे के लिए फेमस है, तो गधों का अभ्यारण गुजरात में, गुजरात में आपका एक ऑलरेडी जैव मंडल है रन ऑफ कच्छ, तो लिटिल रन ऑफ कच्छ ये जंगली गधों के लिए फेमस है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो जब बात करते हैं हम लोग सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो लेह है, लेह और लद्दाख आपने सुना होगा ना, सबसे कम वर्षा वाली जगह है लेह, जबकि आपको पता है सबसे ज्यादा जो वर्षा होती भारत में वो मासिनराम में होती जो कि मेघालय में, इससे पहले चेरापूंजी थी, चेरापूंजी के पास की जगह मासिनराम सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान विश्व का, और भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। भारत में चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा किस राज्य में, चंदन के वृक्ष भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। किस वृक्ष में शक्तिशाली कीटनाशक पाया जाता है, तो नीम आपको पता है तमाम आपका रोगों को दूर कर देती है, ये आपका अपने आप में एक तरीके का कीटनाशक है, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कीटनाशक इनमें से नीम में पाया जाता है। ताज को कैसे नुकसान, ताजमहल को नुकसान कैसे पहुंचा जा सकता है, यमुना की बाढ़ से क्या पहुंच सकता है, तापमान में क्या वृद्धि पहुंच सकता है, या मथुरा रिफाइनरी के वायु प्रदूषण पहुंच सकता है, या उपयोग सभी। तो यमुना की बाढ़ आज तक कभी भी इतना नहीं बाढ़ आई जो ताज को नुकसान पहुंचा सके, तापमान भी बढ़ा हुआ लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मुख्य समस्या है आगरा के पास स्थित मथुरा, और मथुरा में है आपका ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी की वजह से ताजमहल के ऊपर पीलापन का खतरा बढ़ रहा, क्योंकि वहां से निकलने वाला जो सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से आपका एसिड ड्रेन जैसी संभावनाएं बन रही है और ताजमहल पीला भी पड़ता जा रहा। अगला सवाल है, लाल सूची किसके द्वारा तैयार की जा रही है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये आपका लाल सूची तैयार करता है। अगला सवाल है सुनामी, और जे सुन याद रखिएगा जो IUCN है उसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, ग्लैंड कहां पर, स्विट्जरलैंड में,
सुनामी विनाश 2004 का कारण क्या था? जो सुनामी आई थी सन 2004 में, इसका कारण मुख्यतः था सागर की तली में आने वाला भूकंप, और उसका उसकी वजह से बड़ी मात्रा में तबाही फैली हुई थी इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा द्वीप, उसके अलावा भारत में नीचे दक्षिण भारत की जगह श्रीलंका, तमाम बांग्लादेश, तमाम देश प्रभावित हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे इस आपदा में। नेक्स्ट सवाल आता है, सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य भी है और सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन कई बार आपसे पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के बजाय प्रतिशत वाइज क्षेत्रफल, भाई मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर आपका कम प्रतिशत पर भी वन हुए तब भी कुल मिला के क्षेत्रफल में ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज बात करें कुल क्षेत्रफल का, करीब करीब 90% वन लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 90% भूभाग में वन है। लेकिन लक्षद्वीप है एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश के बजाय राज्य की बात करें तो राज्य है मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसके कुल भूभाग का 86% वन आच्छादित है। तो ध्यान रखना है दो आपका मध्य प्रदेश और मिजोरम, सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश कुल एरिया के लिहाज से मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत रूप में जो वन है वो मिजोरम राज्य में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 90% भूभाग पर जंगल है, जबकि सबसे कम जो जंगल पाए जाते हैं कुल भूभाग के वो हरियाणा। हरियाणा में कुल भूभाग का मात्र 3% भूभाग के ऊपर जंगल है। मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल चुकी होगी। अगले सवाल पर मूव करते हैं। ओजोन कवच समस्या से निपटने का पहला जो आपका प्रयास हुआ 1987 में वो कहां पर हुआ? ये हुआ वैंकूवर। वैंकूवर कनाडा में है, 1987 में हुआ। 399 है संसार में सबसे अधिकतम टेबल किस देश में? अपने ही देश में है, भारत में। एंड क्वेश्चन 400 है, प्रचलित रूप से भारत का हरा स्वर्ण किसे कहा जाता है, यानी ग्रीन गोल्ड? तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शंस को देख के देखिए, खेत, वन, वन बांध और टीक कास्ट। टीक कास्ट यानी टीक की लकड़ी, तो यहां पर जवाब हो जाएगा टीक की लकड़ी, इसको हरा स्वर्ण कहते हैं। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि भारत में खासतौर पर उत्तरी पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कौन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना था, तो बैम्बू ट्री यानी बांस, बांस को हम गोल्ड ट्री कहा, गोल्ड ग्रीन गोल्ड कहते हैं। कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टिकी हुई है बैम्बू के ट्री के ऊपर, और विश्व में कुल जो बैम्बू ट्रीज है उसका अकेले 25% भारत में है। तो कुल मिला के अगर आपको बैम्बू ट्री जवाब मिलता है तो आप बैम्बू ट्री करेंगे। फिलहाल यहां पर हमारा जवाब होगा टीक कास्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 401। सवाल है, राजस्थान में झील की नगरी कौन सी है? स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए उदयपुर को हम लोग कहते हैं झील नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स, जबकि आपको पता होना चाहिए जयपुर जिसको कि पिंक सिटी कहा जाता है, जबकि ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। तो उदयपुर सही जवाब है यहां पर, झील की नगरी। अगला सवाल आता है, भारत का विलुप्त होता जंतु कौन सा है? तो चीता, टाइगर, एशियन टाइगर जिसको हम एशियाई चीता कहते हैं, भारत का विलुप्त होता जंतु है। काफी तेजी से इसकी संख्या घटी हुई है, लेकिन हाल में सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप तमाम जो है जो टाइगर रिजर्व वगैरह बनाए गए इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली हुई है। कहावत ही है कि अब चीता बचे ही कहां पर, है ना। तो फिलहाल एशियन टाइगर्स बहुत तेजी से आपका कम होता है, एक जंतु था। फिलहाल इस समय आपका इनकी संख्या स्थिर है और थोड़ा इनकी ब्रीडिंग्स की वजह से इनकी संख्या बढ़ने लगी। हाइड्रला किसका सदस्य है? तो हाइड्रला सदस्य है जलक्रमक का। अगला 404 सवाल आता है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं हर साल 7 जुलाई को। 405 नंबर सवाल है, कितने डेसिबल ध्वनि की तीव्रता स्तर पर श्रवण शक्ति घट जाती है, यानी सुनने की क्षमता घट जाती है, अगर आप 100 डेसिबल या उससे अधिक की ध्वनि तीव्रता पर लगातार बने रहते हैं, ज्यादा समय गुजारते हैं, तो आपकी जो श्रवण शक्ति है वो घट जाती है और आप
टेम्पररी तौर पर बहरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है 406, पर्णपाती वृक्ष कौन सा नहीं है। पर्णपाती वृक्ष यानी जो वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिनमें पतझड़ होता है, और देवदार पर्णपाती वृक्ष नहीं है। सी ऑप्शन सही जवाब होगा, देवदार। 407, आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में कौन नहीं मिलता। ये आपका कुछ जंतु है, सील, पेंगुइन, बालरस और ध्रुवीय भालू, इनमें से आर्कटिक क्षेत्र में पेंगुइन पाई नहीं जाती है, जबकि सील, ध्रुवीय भालू और बालरस ये सभी आर्कटिक क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है आपका 408, पश्चिमी घाट के सघन वनों में अधिकतर कौन पाए जाते हैं। तो इनमें उभयचर पाए जाते हैं, जो पश्चिमी घाट में हमारे सघन वन है, ऐसे एम्फीबियंस जो जल और थल दोनों में रहते हैं। 409 नंबर सवाल है, परम ताप का पैमाना क्या है। तो परम ताप को हम लोग केल्विन में नापते हैं, सही जवाब होगा ए। 410, कौन सा देश जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। तो हमारा देश भारत बहुत बड़ी बायोडायवर्सिटी अपने आप में समेटे हुए है। विश्व के तमाम आपका जो विश्व धरोहर स्थल है उनमें से हमारे देश में बहुत ढेर सारे हैं, और इस वजह से हमारा देश जैव विविधता के लिए फेमस है। पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। 412 नंबर सवाल है, सर्वाधिक जीव विविधता कहां पर पाई जाती है। तो जो पीस वैली है, सांद घाटी जिसको हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जीव विविधता पाई जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, ये साइलेंट वैली भारत में केरल में है। अगला सवाल है, भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन कहलाता है, यानी जो पूरी तरफ से बर्फ से घिरा हुआ लद्दाख, दैट इज लद्दाख, ये भारत का ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते, जापान को हम लोग भूकंप का देश कहते हैं। जापान इसका पुराना नाम भी ध्यान रखिएगा, आपका पुराना नाम इसका निप्पन। तो जापान ये सर्वाधिक भूकंप वाला देश है। अगला सवाल आता है 415, सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ जल की झील कौन सी है। तो ये बैकाले झील है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बैकाले झील के बारे में पहले। ये सबसे बड़ी मीठे पानी और स्वच्छ पानी की झील है। अगले सवाल पर आते हैं, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके लिए फेमस है। ये रिडले टर्टल यानी एक प्रकार के जो टर्टल है आपका कछुआ, उनके लिए आपका ये फेमस है समुद्री अभयारण्य। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां, तो करीब करीब 50 लाख यानी 5 मिलियन, ध्यान रखिएगा 5 मिलियन आपका लगभग प्रजातियां पृथ्वी पर जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। भारत का तप्त स्थल कौन सा, जहां पर ज्यादा आपका तापमान रहता है, वो आपका भारत के पश्चिमी घाट के इलाके हैं, ये भारत के तप्त स्थल है। सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग जिसको आप ऑस्ट्रिच कहते हो, सबसे बड़े आकार का पक्षी है, इतना भारी होता है कि ये उड़ नहीं पाता है। ट्यूब कटोमी ये बंदीकरण का तरीका है, ट्यूब कटोमी ये बंदीकरण का किस चीज का तरीका है, ये पुरुषों का या स्त्रियों का या दोनों का। बंदीकरण यानी एक तरीके का आपका ये, जिसमें कि आप कह सकते हो कि नसबंदी, आप इसको एक तरीके का कह सकते हो, इसमें बेसिकली आपका ये स्त्रियों का एक तरीका। विश्व की प्रसिद्ध मांस मंडी कहां पर लगती है, ये अमेरिका के शिकागो शहर में लगती है। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये किसने कहा, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये बात एजी टेंसले ने कही, सही है, वापसी हो जाएगा टेंसले। 1 किलो अगर मांस आपको पैदा करना है तो कितने अनाज की जरूरत पड़ती है, 10 गुना जरूरत पड़ती है। तो 423 नंबर सवाल आपका इसका सही जवाब होगा डी यानी 10 kg, यानी अगर आपको 1 किलोग्राम मांस वाला एक जानवर तैयार करना तो उसको कम से कम 10 किलो आपको जो है खिलाना पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहां पर स्थित है। पवन ऊर्जा भारत के तटीय इलाकों में ज्यादा उत्पादित होती है, और इस वजह से यहां पर तटीय राज्यों में आप देखिए, उत्तर प्रदेश जवाब आपका हो नहीं सकता, शिमला आपका जवाब नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ही आपके पास बसते हैं। तो तमिलनाडु आपका भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म का जो है केंद्र है, और भारत में बायोकॉन या फिर आपका तमाम कंपनियां जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगी हुई लगातार। सीएनजी क्या है, अगला सवाल ये 425वां सवाल है। सीएनजी एक तरीके की प्राकृतिक गैस है, नाम इसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पवन चक्की में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो पवन चक्की में हम लोग जल ऊर्जा का प्रयोग करते हैं।
427 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा को अगर सीधे विद्युत ऊर्जा बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं? आप सिर्फ सोलर सेल लगाइए, सोलर प्लेट लगा लीजिए, बैटरी आप मत इंस्टॉल करिए, सीधा आप सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के द्वारा की जाती है। 429 नंबर सवाल है, सौर सेल का उपयोग इनमें से किसके विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है? तो सौर सेल का जो उपयोग है, ये हम जो उपग्रह वगैरह भेजते हैं, जब उपग्रह भेजते हैं तो वो आपका अपने लिए जरूरी ऊर्जा सोलर सेल के जरिए, उनमें सोलर प्लेट्स लगी होती बाहर, वो सूर्य से मिलने वाली गर्मी या जो प्रकाश है उसी से जो है ऊर्जा ग्रहित करते हैं। जो अभी भारत का हाल ही में मंगलयान मिशन था उसमें भी हमारे लैंड रोवर के ऊपर जो पैनल लगे हुए थे वो पैनल बेसिकली आपका सोलर सिस्टम से ही के जरिए उसमें ऊर्जा लेने का प्रोविजन किया गया हुआ था। नेक्स्ट आता है, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है जल ऊर्जा। अगला सवाल आता है, जेट इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? जेट इंजन में हम लोग ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल का यूज करते हैं। 432वां सवाल है, LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कौन से एरियाज में रह रहे हो, तो ये एरिया वाइज ब्यूटेन और प्रोपेन का कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है। सामान्य तौर पर ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40% पाया जाता है, तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होगा। ठंडे प्रदेशों में प्रोपेन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40%। साथ में ध्यान रखिएगा, इसमें जो महक के लिए, गंध के लिए जिस का उपयोग करते हैं वो है मिथाइल मर्सेप्टेन। अगला सवाल आता है 433, ईंधन से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जो भी आप ईंधन जलाते हैं उससे ऊर्जा दो रूप में बाहर निकलती है, एक तो प्रकाश के रूप में और दूसरा ऊष्मा के रूप में। 434वां सवाल, इनमें से बायोगैस कौन सी है? तो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस को बायोगैस कहा जाता है, बायोगैस माना जाता है। 435वां सवाल है, कोशिका यानी सेल की खोज किसने की हुई थी? रॉबर्ट हुक है जिन्होंने कोशिका की सेल की थी। अगला सवाल, पादप कोशिका की पहचान क्या है? पादप कोशिका की पहचान उसकी कोशिका भित्तियां होती हैं। अगला सवाल 437वां, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में पौधे आते हैं, इस वजह से ये खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। 438वां सवाल है, प्राथमिक उत्पादक का इनमें उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक उत्पादक जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इनमें से आपका घास है, जबकि बाकी सभी जो यहां पर है वो अलग अलग वर्ग के उपभोक्ता है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है? टाइफाइड रोग जीवाणु की वजह से होता है, तो टाइफाइड रोग का कारण जीवाणु है। सामान्य तौर पर आपका ये जीवाणुओं की वजह से आपका फैलने वाला रोग है। 440वां सवाल है, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जो जीव, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रोगों को एक जगह दूसरी जगह तक फैलाते हैं, इनको पैंथोजेंस कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका बी, पैंथोजेंस। 441 नंबर सवाल है, दूध में जीवाणु की क्रिया कैसे होती है? दूध में जीवाणुओं की क्रिया उनके अम्लीय होने के कारण से होती है। 442वां सवाल है, भोज्य कवक इनमें से कौन सा है? मोर्चेला, एगारिका और लाइकोपेरिडोन, ये सभी आपके भोज्य कवक हैं। 443वां सवाल है, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक कैसा रोग है, किसके द्वारा जनित होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, वायरस के द्वारा जनरेट होता है, तो विषाणु जनित रोग हो गया। संक्रामक रोगों का सामान्य भाग कौन सा है? जो संक्रामक रोग आपके होते हैं, तमाम इन्फेक्शन वगैरह फैलते रहते हैं नॉर्मली, वो किसकी वजह से होते हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो घरेलू मक्खी होती है ये तमाम तरीके के आपके रोग फैलाती है, जैसे हैजा वगैरह रोग आपका दूषित खाने वगैरह की वजह से, दूषित पानी की वजह से जो फैलते हैं, इनके लिए आपका मुख्यतः आपका घरेलू मक्खी जिम्मेदार होती है। इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। अगला सवाल आता है, कोढ़ का कारक कौन सा? कोढ़ जो रोग होता है उसका कारण एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं। 447वां सवाल है, अधिकतर सवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें पर्णहरिम पाया जाता है, तो सवाल अपना भोजन बनाते हैं कारण उसका पर्णहरिम पाया जाना होता है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? मशरूम एक प्रकार की फफूंदी है, फंगस है।
आयोडीन का समझ सूत्र इनमें से कौन सा है? फफूंद आयोडीन का जो एक समझ सूत्र है वो भूरा शैवाल जो है इसका आयोडीन का एक समग्र सूत्र है। चाइना ग्रॉस क्या है? चाइना ग्रॉस एक तरीके का शैवाल है। तो अगले सवाल पर 51 नंबर पर आते हैं, एलएसडी ड्रग ये किन से निष्कर्षित किया जाता है, किससे निकाला जाता है? तो कवकों से एलएसडी ड्रग्स को निकाला जाता है। 452 नंबर सवाल है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कैसे होता है? जो अमोनिया है वो यूरिया में आपका परिवर्तित होती है यकृत में। 453 नंबर सवाल, रक्त के प्लाज्मा में जल कितना होता है? जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें जल की मात्रा 90% होती है, जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है, विलियम हार्वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो विलियम हार्वे रक्त प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, जवाब हो जाएगा आपका डी। अंगूर पिचक जाता है, अंगूर क्यों पिचक जाता है, कहां पर पिचकता है? शक्कर के घोल में आपका बेसिकली जो होता है वो अंगूर पिचक जाता है। 456 नंबर सवाल है, जल को पौधे विभिन्न भागों में कहां पर कैसे पहुंचाते हैं? तो जल को पौधे के विभिन्न भागों में आपका जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, जवाब हो जाएगा सी। 457 सवाल है, वृक्कों का कार्य यानी लंग्स का काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है आपका उत्सर्जन का। अगला सवाल आता है, एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन की प्रमुख विधि कौन सी? एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन की प्रमुख विधि विसरण होती है। अगला सवाल आता है, निम्न में कौन पूरे शरीर की रक्त की आपूर्ति हृदय में करता है? तो जो रक्त की आपूर्ति हृदय में करने का काम होता है वो धमनियां करती हैं। 460 नंबर सवाल है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 461 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो ध्यान रखना है प्रोटीन पाचक एंजाइम अगर इनमें से कोई है तो वो पेप्सिन है। 463 नंबर सवाल है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण भी हमारे यकृत में होता है यानी लीवर में। अगला सवाल आता है, मछलियां श्वसन कैसे करती? मछलियों के श्वसन के का आपका तरीका गलफड़े के द्वारा होता है, तो मछली आपका गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा श्वसन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन जो पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक कौन सा है? तो फ्लोएम जो ऊतक है, फ्लोएम टिश्यू, ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। 466 से, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो 3 बिलियन वर्ष पूर्व आपका आज से लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। टैकोग्लोसस ये कहाँ पाया जाता है? टैकोग्लोसस तमाकुची ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो टैकोग्लोसस हो गया या फिर आपका कंगारू हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में इनमें से कौन पाया जाता है? तो ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में आपका कौन पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला सवाल आता है, जल कैसा होता है? तो जल जो शुद्ध जल होता है ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अलावा स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसमें से ताजा जल लगभग कितने परसेंट है? जितना भी आपका पृथ्वी पर जल उपलब्ध है उसमें पीने योग्य ताजा जल मात्र 1% है, जो कि अधिकांशतः भूगर्भ में छिपा हुआ है। 471 क्वेश्चन नंबर है, हल्की और खोखली हड्डी की विशेषताएं ये किन में पाई जाती है? ये विशेषताएं पक्षियों में पाई जाती है जो कि उनको उड़ने के लिए उड़ने में मदद करते हैं। स्पंज जड़े किसमें पाई जाती हैं? जो स्पंज जड़े हैं जिस पेड़ में पाई जाती है वो जुसिया पेड़ है, इसमें स्पंज जड़े पाई जाती हैं। चाय और कॉफी किन से प्राप्त होते हैं? आपको पता है चाय कॉफी दोनों पेय पदार्थ है और दोनों आपका पौधों से प्राप्त होते हैं। अगला सवाल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कैसी गैसें हैं? तो ये आपका जो गैसें हैं ये गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में देखा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 6 और प्रमुख गैसें साथ में जल वाष्प, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये गैसेस आपका हमारे वातावरण में ऊपर जाके एक ट्रैपिंग पूरा बना लेती हैं। 475 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एरोसॉल जल वाष्प कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो ये प्रदूषण उत्पन्न करती है वायु प्रदूषण। 476 हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि है वो ग्रीन हाउस गैसेस का मुख्य कारण है।
अगले सवाल पर आते हैं, टेम्फ्लू ये किस बीमारी की दवा है? टेम्फ्लू है डियर स्टूडेंट्स, टेम्फ्लू ये आपका बुखार में वायरस, जब बुखार होता है वायरल होता है खासतौर पर स्वाइन फ्लू, उसमें दी जाने वाली दवा है। अणु शक्ति ग्रह से रेडियोधर्मी तत्वों का बड़े पैमाने पर रिसाव कहां पर हुआ था? जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर न्यूक्लियर रिएक्टर, उससे जो रिसाव हुआ था वो रूस के चेर्नोबिल नामक जगह पर हुआ था, और वर्तमान में आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं चेर्नोबिल यूक्रेन नामक देश में। तो पहले आपका ये रूस का भाग हुआ करता था, वर्तमान में चेर्नोबिल ये यूक्रेन में 1983 में घटना हुई थी, काफी संख्या में लोग आपका यहां पर प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है, कैटेलिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परावर्तक नामक यंत्र लगाकर कौन सा प्रदूषण कम किया जा सकता है? ये जो आपका कैटेलिक कन्वर्टर एक यंत्र है, इसको वाहनों के साइलेंसर में लगाया जाता है, जिससे आपका जो काफी हद तक आपका प्रदूषण उत्पन्न होता है खासतौर पर वायु प्रदूषण, उसको कम किया जा सकता है। 479 के बाद क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स 480। इस 480 में आपसे पूछा हुआ बेचैनी, बहरापन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, सहन शक्ति की कमी जैसे रोग किस प्रदूषण से होते हैं? तो ये ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। आरजी मून की मिलावट कहां पर होती? आरजी मून की मिलावट जितने भी हमारे खाद्य तेल होते हैं, खाने योग्य तेल, उनमें आपका की जाती है। 482 है, पैक भोजन पदार्थों की अच्छी गुणवत्ता के लिए क्या जाता दिया जाता है? जो एग मार्क है, एग मार्क क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स जो कि आपका पैक्ड फूड आइटम्स है, उनके लिए दिया जाता है। जबकि अगला सवाल है, ऐसे उत्पादक जिनके उत्पादन में या उपयोग में या निष्पादन में पर्यावरण में कम से कम नुकसान होता है या नहीं होता, उनको कौन सा मार्क दिया जाता है? तो ऐसे पदार्थ, ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है, यानी जिनके प्रोडक्शन में, जिनके कंजम्पशन में या जिनकी रिसाइकल में पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। 484 नंबर सवाल आता है, शेर, बाघ, हाथी, गेंडे, इन सब का शिकार आपका किस अधिनियम के तहत भारत में दंडनीय है? तो 1972 में एक एक्ट बना हुआ था, वाइल्ड लाइफ एक्ट, उसके तहत इन सभी का शिकार दंडनीय अपराध है। 485 है, मानव पर्यावरण पर स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस 1972 क्या कहलाता है? इस पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसी को आपका पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी से आपका दुनिया में आगे पर्यावरण संरक्षण को लेके तमाम रास्ते खुले। 486 नंबर सवाल है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती? तो ठोस में सबसे कम होती, जबकि गैस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल 487 है, भारत का जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में जल प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ डियर स्टूडेंट 1974 में, जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। 488 है, कश्मीरी चोगा इसमें से कौन है? चोगा एक तरीके का आपका उनका वस्त्र है, और ये फिरन नामक का फिरन होता है बेसिकली। अगला सवाल आता है 489, भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ, और इसी में आज में 1988 में ध्वनि प्रदूषण को भी इसी में शामिल किया गया। तो पहले ध्वनि प्रदूषण कोई भी आपका तरीके का आपका एक्ट नहीं होता था, बाद में ध्वनि प्रदूषण को भी आपका प्रदूषण के रूप में मान्यता मिली, और इसको बाद में वायु प्रदूषण का एक अंग स्वीकृत किया गया। 490 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध, यानी 14 साल तक के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हो, उनको किसी ऐसी जगह पर इंगेज नहीं कर सकते जिनसे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता हो, और ये हमारे संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 24 में। अगला सवाल आपका 491, भारत में सर्प उद्यान कहां पर? मद्रास में, यानी आपका वर्तमान में चेन्नई में सर्प उद्यान है। 492 आता है, रसायनों में किए जाने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? रसायनों से किए जाने वाले चिकित्सा विज्ञान को केमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, पक्षियों के आपका अध्ययन करने की साइंस को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। 494 आता है, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसको कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। 495 तीसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? तो जो विकासशील देश है खासतौर पर आपका अफ्रीकन नेशंस को, जहां पर अभी विकास नहीं हो पाया है, विकास से बहुत दूर है, ऐसे देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। एक नक्षत्र का रंग, अगला सवाल ये किस पर निर्भर करता है? किसी भी नक्षत्र का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। 497 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इसने पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है। 498 सवाल आता है, किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी? तो यूरोपियन देश है स्वीडन, जिसमें सबसे पहले आपका अम्लीय वर्षा हुई थी।
अगला सवाल आता है, कौन सा इनमें से स्मोक सिटी के नाम से यानी धूम नगर के नाम से जाना जाता है? तो धूम नगर के नाम से हमारी कौन शहर शिकागो जाना जाता है। अगला सवाल आपका 500वां नंबर का सवाल है, पौधे किस प्रकार से जल को अवशोषित करते हैं? तो कोशिका के माध्यम से आपका पौधे जल को अवशोषित करते हैं। आते हैं पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज्यादा कौन से शहर में है? तो जी हाँ, कानपुर, हिस्टोरिका का अपना शहर कानपुर में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है। यहां पर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कानपुर दिया हुआ है, फिलहाल कानपुर। और अगर डी स्टूडेंट्स आपको इसके अलावा कभी मान लिया और सिटीज आ रहे हैं तो कानपुर का जो पड़ोसी जिला है उन्नाव, ये भी आपका इसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये पेयजल पदार्थ में आपको मिलता है। अगला सवाल आता है 502, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध विश्नोई संप्रदाय ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्नोई संप्रदाय उत्तराखंड में बहुत ही प्रतिष्ठित संप्रदाय जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए आपका जाना जाता है, ये गुरु जम्बेश्वर आपका हुए, उन्होंने आपका स्थापित किया हुआ था। 503 नंबर सवाल पर आते, रक्त का वास्तविक रंग कैसा होता है? तो जो रक्त है वो एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं कि लाल कलर का है, वो लाल एग्जैक्ट ना होके आपका इसी के लिए हल्का सा पीला रंग का होता है, तो लाइट येलो आप कह सकते हो, जो कि हमें नजर नहीं आता, बट अगर उसके कलर की बात करें तो हम उसको साइंटिफिकली कह सकते हैं वो आपका लाइट येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 504 पर, इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कौन सा आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं, किसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो? तो जल, वायु और बायोगैस ये सभी रिन्यूएबल है, कोयला एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, एक बार यूज किया खत्म। 505 नंबर सवाल आता, प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है? तो ये आपका जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट है जिसका कि आपका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन संभव नहीं होता है। अगला सवाल 506 आता है, भारहीन अपशिष्ट का इनमें कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो जो ध्वनि है, ध्वनि एक भारहीन अपशिष्ट जिसका कोई भार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नींद ना आने के लिए आपका टेक्निकल वर्ड कौन सा है? जिस किसी व्यक्ति को आपका नींद नहीं आती उसको हम लोग कहते हैं कि ये इनसोम्निया से पीड़ित है, तो जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 508 आता है, सूर्य में जो हाइड्रोजन के केंद्रक है इनके संयोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से हीलियम बनता है। क्वेश्चन 508 का जवाब होगा हीलियम। 509 में आता है, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? वायु प्रदूषण से होने वाले रोग अस्थमा भी हो जाता है, कैंसर फेफड़ों का, लंग्स कैंसर भी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस ये भी हो जाता है, तो इसका मतलब जवाब होगा उपयुक्त सभी, वायु प्रदूषण से सभी रोग हो जाने की यहां पर संभावना रहती है। 510वां सवाल है, समुद्री जल को किस विधि से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं? समुद्री जल को आसवन, तासवन दिया हुआ लिखा हुआ है, इसको आसवन कंसीडर करिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, आसवन विधि से शुद्ध किया जा सकता है। 511 नंबर सवाल आता है, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो कि मध्य तापी क्षेत्र है वहां पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, इनकी खासियत होती है एक समय विशेष में ये अपने पत्ते पूरे के पूरे झाड़ देते हैं और फिर पुनः इन पर आपका नए पत्ते आ जाते हैं। 512 नंबर सवाल है, कौन सा एक अजैविक घटक है, अबायोटिक, इसमें से आपका कौन है? तो जो सौर ताप है वो एक अबायोटिक फैक्टर है, सौर ताप को अबायोटिक, सौर ताप हो गया, उसके अलावा तापमान हो गया, वर्षा, कोहरा, ये सभी आपका अजैविक घटक है। 513 नंबर सवाल है, 10% नियम किसने दिया हुआ था? तो डियर स्टूडेंट्स, लिंडमान ने आपका 10% नियम दिया हुआ था। इस नियम के अनुसार एक भोजन सूत्र से, एक ऊर्जा सूत्र से जब दूसरे ऊर्जा सूत्र में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे आपका ट्रांसफर हो पाती है। तो इसी को आपका 90:10 रूल, 90:10 का रूल कहा जाता है, या इसी को हम लोग 10% का रूल कहते हैं, और यह दिया हुआ था लिंडमान ने। नेक्स्ट सवाल आता है 514, किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती? तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 515 सवाल है, दूरसंचार विभाग में 101 संख्या किस विभाग के लिए? तो 101 आपका अग्निशमक के लिए है, 100 नंबर पहले पुलिस के लिए होता था जिसको कि वर्तमान में चेंज करके आपका 112 कर दिया गया, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो SOS नंबर होता है, आपातकालीन सेवा का नंबर, वो 112 होता है, तो इसी वजह से आपका 100 को चेंज करके आपका 112 किया गया हुआ, जबकि दूरसंचार विभाग के लिए 101 है, नेशनल एम्बुलेंस के लिए 102 रहता है।
अगली बात करते हैं हम लोग 516 कि लंदन में धूम्र पाया जाता है, किस मौसम में पाया जाता है। तो लंदन में जो धूम्र पाया जाता है वो शीतकाल में पाया जाता है, शीतकालीन मौसम में, वो भी सुबह के टाइम पर। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ठोस द्रव गैस के बाद, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को हम लोग क्या कहते हैं? जब अम्लीय जल जो कि होता है, जब एसिड रेन वगैरह होती है, उसकी वजह से इमारतों को जो नुकसान पहुंचता है उसको हम लोग स्टोन कैंसर कहते हैं। और वर्तमान में आपका ताजमहल जैसी तमाम ऐतिहासिक इमारतें इसी स्टोन कैंसर का सामना कर रही हैं। ये समस्या यूरोपियन देशों में बहुत ज्यादा भयावह है। 519वां सवाल है, EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया? ये 1969 में किया गया। 520वां सवाल है, जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम या दोनों या कोई भी नहीं। तो कोयला हो या पेट्रोलियम, दोनों ही आपका बायोफ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। जवाब हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। 521वां सवाल है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य की लार में ट्रिप्सिन पाया जाता है। 522वां सवाल है, झूम की खेती कहाँ होती है? झूम खेती खासतौर पर आपका पहाड़ी भागों में, पहाड़ी ढलानों पर होती है। आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 523 पर। सवाल है, किवी पक्षी किस देश का है? तो आप सबको पता होना चाहिए जो किवी पक्षी है वो न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड देश के निवासियों को भी किवी कहा जाता है। इसी तरीके से आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला मुख्य जो पशु है वो कंगारू है, और इस वजह से वहां के देश के निवासियों को कंगारू भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 524 पर, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? तो पैराफिन मोम जो है, जबकि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को प्योर करते हैं, उस प्रोसेस में जो प्राप्त होता है उसको हम लोग पैराफिन मोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 525 पर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बरेली भारत में माचिस यानी दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला सवाल आता है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, जो हिमालयन रेंज है उस हिमालयन रेंज का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ये वस्तुतः नेपाल में स्थित है। यानी जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नेपाल में। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2, जिसको आप गॉडविन आस्टिन भी कहते हो, ये है। बढ़ते हैं अगले सवाल 527 पर, मलेरिया के इलाज से इनमें से कौन सा एक व्यक्ति संबंधित है? तो मलेरिया का इलाज उससे संबंधित है रोनाल्ड रॉस। आपको पता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और रोनाल्ड रॉस इसके इलाज से संबंधित व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 528 है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को क्या कर सकते हैं? रात में जो जगने वाले जानवर हैं ये हर चीज को देख तो सकते हैं, लेकिन जिस कलर में देख सकते हैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो आपका जवाब होगा सी, केवल काला और सफेद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 529 है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं वत्तिकाग्र। तो जवाब है आपका वत्तिकाग्र, ये पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 530, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, और इसका कारण क्या है? गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, इस वजह से वो आपका काफी हद तक आपका ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक वो देख सकते हैं। गर्दन अधिक हिलाने के पीछे का उनका कारण ही होता है कि जो उनकी आंखें होती हैं उसकी पुतलियां जो होते हैं घूम नहीं सकती हैं। तो इस वजह से आपका 530 में सही जवाब करेंगे सी ऑप्शन। 531 है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन और खनिज खूब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। इनसे शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीव मंडल का संरक्षण सर्वाधिक किसके द्वारा हुआ? जो हमने जीव मंडल को संवर्धित किया, संरक्षित किया, ये इनमें से किन के द्वारा संभव हो पाया? तो ये संभव हुआ राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के द्वारा। जी हाँ, जो हमारे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, नेशनल पार्क हमने बनाए, इनके द्वारा जीव मंडल का संरक्षण सबसे ज्यादा संभव हो सका। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 533 पर आते हैं, झील के किनारे खड़े होकर बच्चों को जल के नीचे जो स्थिर मछली कैसी दिखाई देगी? ये अगर आप झील पर खड़े होंगे और आप पानी में जब देखेंगे नीचे, तो जो भी मछली होगी वो आपका वास्तविक मछली से आपको बड़ी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 534, आधुनिक जीवन में जो प्रयुक्त रसोई गैस है एलपीजी, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ब्यूटेन के साथ एक दुर्गंध युक्त
पदार्थ मिथाइल मर्सेप्टेन मिलाया जाता है, एक मर्सेप्टेन मिलाया जाता है। इसका कारण क्या, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं आपको, इसको डिस्कस कर चुका हूं, इससे महक एक अजीब सी बदबू आने लगती है और जो गैस के लीकेज को पता करने में आपको मदद करती, तो जवाब हो जाएगा सी, गैस का रिसाव पता करने मदद चलता है। क्वेश्चन नंबर 535 है, एक पुरुष जिसका रक्त वर्ग ओ है एक ए रक्त वर्ग वाली स्त्री से शादी करता है, अब उस बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी, ऐसे केस में उसकी 50-50% संभावना होगी, यानी जवाब होगा 50%। 536 आता है, चावल या दाल को जब जल में डालते तो मिट्टी के कण तली पर बैठ जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिट्टी के तलों का कण जो उसमें तली पर बैठ जाना, इसको अवसादन कहते हैं। 537 नंबर क्वेश्चन, एक किसान जो कुछ दाने हैं उनको भूसों से अलग करना चाह रहा, दोनों लिखा है दैट इज दाना, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाह रहा, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, ये निष्पावन कहलाता है। जब ऐसी प्रक्रिया में किसान जिधर की तरफ हवा चल रही होती उस तरफ थोड़ा सा ऊंचाई से जिसमें दाने और भूसा दोनों ही होता है उसको गिराता है, और ऐसे में जो भूसा होता है वो दूर गिरता है जबकि दाने आपका उसके पास में गिरते हैं, इस तरीके से निष्पावन प्रक्रिया के द्वारा जो है इसको अलग कर सकता है। आजकल ये साइंटिफिकली आपका तमाम तरीके आ चुके जिनसे अलग हो जा रहा है। 538 नंबर सवाल है, मिठाइयों में चांदी के वर्क के स्थान पर किसकी मिलावट होती है, क्योंकि चांदी का वर्क महंगा पड़ता है, इस वजह से जो इसकी मिलावट के रूप में एडल्ट्रेशन किया जाता है वो एल्युमिनियम का वर्क लगा दिया जाता है, तो जवाब होगा एल्युमिनियम का वर्क। 539 में से रबी की फसल कौन सी है, आपको पता होना चाहिए तीन तरीके की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें जो आपका सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और सर्दियों के मौसम खत्म होने के टाइम पर काट ली जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा गेहूं है, चना है, ये सभी आपका रबी की फसलें हैं, सरसों भी रबी की फसल में आ जाएगा, जबकि खरीफ की फसलों में आपका मक्का है, मक्का के अलावा चावल है, ये खरीफ की फसलों में आता है। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी जायद की फसलों में आता है, तो इनमें से अगर पूछा जाए रबी की फसल कौन सी, तो जवाब ए यानी चना हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 540, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, तो जवाब हो जाएगा टोकोफेरॉल। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है, तो भारत के आपने राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रीय जल जीव जो है वो है हमारा डॉल्फिन, जबकि राष्ट्रीय पशु हमारा आपका पेंथाइंगर टाइगर यानी आपका जो है चीता, ये हमारा राष्ट्रीय पशु। अगले सवाल पर आते हैं 542 पर, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, यहाँ पर दो जवाब है ए और बी, ए चेरापूंजी, बी है मानिकराम, मासिनराम आप इसको पढ़िएगा, चेरापूंजी ये मेघालय में स्थित है, मासिनराम भी उसी के पास में ही है, पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती थी कहीं पर तो चेरापूंजी में, वर्तमान में ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया और मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये कारण उसका आपका तीन पहाड़ियां वहां पर है, गौरव है, खासी है और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र और दुनिया में सबसे अधिक बरसात के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 543 पर आते हैं, इसमें से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका योगदान सबसे ज्यादा है, जो समुद्र का पानी होता है उसमें लवणता ज्यादा पाई जाती है और उसमें आपका मुख्यतः पाई जाती है दो चीजें, एक तो सोडियम और दूसरा क्लोराइड, इन दोनों चीजों की लवणता प्रजन सबसे ज्यादा होती है, 1000 भाग में इनकी प्रजेंस ऑलमोस्ट 30 होती है, जी हाँ 30 कह सकते हैं, 30 भाग 1000 में ये चीज आपका इसका लवणता का स्तर मिलता है हमें सागरी जल में। 544 नंबर सवाल आता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जी हाँ ये गलत है, 23 मार्च को ना मना के 20 मई को हर साल मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस इसको हम कहेंगे 20 मई को मनाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून मनाते हैं। विश्व आवास दिवस, इसके बारे में ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, विश्व आवास दिवस या परिवेश दिवस ये हर साल अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, डेट ये कभी 6 कभी 7 कभी 5 इस तरीके से पड़ती रहती है, तो विश्व आवास दिवस जो मनाया जाता है अक्टूबर माह के हर प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 545 पर आते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई हुई थी सन 1986 में, और इसको एज ए सोसाइटी गठित किया गया, सॉरी इसको गठित किया गया था 1982 में, 1982 में इसका गठन हुआ था,
और ध्यान आपको ये रखना है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसको गठित एक सोसाइटी के तौर पर शुरुआत में किया गया हुआ था। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी 1982 में। 546वां सवाल आता है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1988, ये शुरू हुआ था 1988 में, ये किसको दिया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो वन्य जीवों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए काफी प्रयास करते हैं, उनको आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जवाब होगा वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को। 2013 में पुरस्कार एसपी यादव को दिया गया था, जो कि आगरा में आपका फॉरेस्ट रेंज में डीआईजी रहे थे। काफी टाइम पर उन्होंने इलीगल ट्रेड जो होता है जानवरों का, उस पर उन्होंने रोक लगाई और ये पुरस्कार उनको दिया गया था। 547 नंबर सवाल आता है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण होने वाली घटित आकाशीय परिघटना, इसको हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु सामान्य तौर पर गैसों से, पत्थर से, धूल से बने हुए, समझिए एक छोटे ग्रह होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर आपका ग्रहों के तरीके से ही परिक्रमा लगा कर रहे होते हैं, और ये आपका एक आकाशीय परिघटना ही नहीं, धूमकेतु को हम आपका पुच्छल तारा भी कहते हैं ना, कि तारा कोई टूट जा रहा पुच्छल तारा, तो यह ध्यान रखिएगा धूमकेतु या पुच्छल तारा ये तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटनाएं हैं। 548 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो, प्रदूषित करती हैं? क्योंकि मोटर कारों में जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो शीशा मिला हुआ हुआ करता था पहले, और इस वजह से जो शीशा धातु है यह सबसे ज्यादा आपका वायु प्रदूषण का कारण हुआ करती थी। वर्तमान में शीशा रहित पेट्रोल इस समय प्रचलन में, तो ये समस्या काफी हद तक दूर हुई है। तो फिलहाल सवाल का सही जवाब होगा शीशा यानी लेट। अगला सवाल आता 549, भारत में इनमें से प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सा नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल है? तो डेयर स्टूडेंट, भारत में पाया जाने वाला आपका न्यूक्लियर फ्यूल सबसे ज्यादा है थोरियम। यूरेनियम हमारे यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे पास थोरियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहां दो राज्य हैं, केरल और उड़ीसा। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा नाभिकीय प्रदूषित राज्य कौन सा है, ऐसा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो वो केरल ही जवाब होगा। और केरल का कारण मैंने आपको बताया कि केरल के जो बीचेज है, समुद्र तट है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम की उपलब्धता है, इस वजह से केरल सबसे ज्यादा नाभिकीय प्रदूषित राज्य भी है। लास्ट क्वेश्चन 550 आता है इस सीरीज का, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो ध्यान रखना है आपको यहां पर जवाब गेहूं नहीं देना, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर उगाई जाने वाली फसल भी चावल है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल भी चावल है। और ध्यान रखना है भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य है। और जी हां, भारत में सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादित करने वाला राज्य है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल।